बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, जी सर आ रही है। अच्छा जी, आज का जो डर्मेटोपैथोलॉजी का लेक्चर है, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, क्योंकि वेसिकुलस डर्मेटोसिस आर इंपॉर्टेंट इन ऑल टाइप ऑफ डर्मेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, मे बी क्लिनिकल स्लाइड, मे बी हिस्टोपैथोलॉजी स्लाइड, मे बी शॉर्ट केस और इवन अ लॉन्ग केस। तो जो वेसिकुलस डर्मेटोसिस हैं, इनको आपने इतने अच्छे तरीके से रेड तैयार करना है कि आप इन चारों चीज़ों में आप काफ़ी माहिर हो जाएं। लॉन्ग केस भी आता है वेसिकुलस डर्मेटोसिस का, शॉर्ट केस भी आ सकता है और एग्जाम का क्वेश्चन, क्योंकि इतने सारे डिजीज़ हैं और इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन पाया जाता है, तो इसलिए बड़े अच्छे एग्जाम का क्वेश्चन बनते हैं इसके। तो इसलिए वेरी थॉरो नॉलेज इज वेरी नेसेसरी। तो चूंकि ये डर्मेटोपैथोलॉजी का लेक्चर है, तो जैसे आप लोगों को पता है कि मैं इस लेक्चर में ट्रीटमेंट या इन्वेस्टिगेशंस नहीं, ट्रीटमेंट डिस्कस नहीं करता, इन्वेस्टिगेशन तो वेसिकुलस का तो हिस्सा है। तो हम ट्रीटमेंट पार्ट को ओमिट करते हुए वी विल लाइक टू कवर द डिफरेंट हिस्टोपैथोलॉजिकल अपीयरेंसेस ऑफ the common vesicobulous dermatosis which we come across in our day to day practice. So we will start with akentholytic disorders and epidermal blisters. Akentholysis, as you all know, derived from a Greek word which is akentha. एक एंसे का मतलब है प्रिकल, एंड लाइसिस मींस लूजनिंग, मतलब लूजनिंग ऑफ द प्रिकल सेल लेयर। दिस इज व्हाट द ग्रीक टर्मिनोलॉजी मीन। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेपरेशन ऑफ केराटिनोसाइट्स एट द डेस्मोसोमल। अब ये केराटिनोसाइट्स पड़े हुए हैं अलग अलग, दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड। तो ये जो इंडिविजुअल केराटिनोसाइट्स पड़े हुए हैं, दीज आर एकेंथोलिटिक सेल, और इस फेनोमेना को एकेंथोलिसिस कहा जाता है। There are a wide range of conditions that can result in akentholysis. ये ना समझें कि akentholysis सिर्फ autoimmune है। Genetic mutations in Darius disease and in Hailey-Hailey disease. आप में से किसका माइक ऑन है? अच्छा, Hailey-Hailey disease and Darius disease. There's a mutation of ATP2A2 and ATP2C1 genes respectively that encodes for the calcium pump, resulting in desmosomal instability. Autoimmunity kaise akentholysis karti hai? In pemphigus group of diseases, antibodies directly damage the desmosomes by attaching to specific antigen sites. Then direct damage. Desmosomes may be damaged as a secondary phenomena, for example after severe spongiosis or intracellular balloon degeneration in viral infection. So in eczema, jab blister banega aur jab balloon degeneration hogi viral infection mein, usme bhi direct damage desmosomes ko hogi, and that would result in akentholysis. So akentholysis ki teen causes hain: genetic mutation, autoimmunity and direct damage. वंस आपको पहले भी मैंने बताया कि प्रिकल सेल लेयर या स्टेटम स्पाइनोजम में द सेल्स आर पॉलीगोनल बिकॉज दे आर अटैच विद ईच अदर बाय डेस्मोसोमल जंक्शन। जब डेस्मोसोमल जंक्शन टूटते हैं, जिस तरह ये सेल पॉलीगोनल शेप का है, जब डेस्मोसोमल जंक्शन टूटते हैं तो सेल अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स से राउंड हो जाता है। तो एक एंथोलिटिक सेल पॉलीगोनल नहीं होता, वो राउंड सेल। This is a structure of desmosomes. You all know about this. इसके major components हम एक दफा देख लेते हैं। जो ये दो cell membranes हैं, plasma membranes of two keratinocytes. ये जो plasma membrane दरमियान में दो तरह के structures हैं। एक desmoglein जो yellow में जाहिर किए गए हैं, और एक desmocolons जो purple में डाल जाए। डेस्मोग्लाइन और डेस्मोकोलन आपस में ज्वाइन करते हैं
और यही बेसिकली डेस्मोसोम बनता है। लेकिन डेस्मोग्लाइन और डेस्मोकोलिन का एक पीछे बैकबोन भी है, ये अटैच होते हैं जाके डेस्मोप्लेकिन के साथ। ये डेस्मोप्लेकिन इज विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ केराटिनोसाइट। और इसके अलावा दो और स्ट्रक्चर्स इनको मजबूत करने के लिए मौजूद हैं, एक तो प्लेकोग्लोबुलिन और प्लेकोफिलिन और प्लेकोग्लोबुलिन, ये दोनों स्ट्रक्चर्स इनको मजबूत करने के लिए। तो ये डेस्मोग्लाइन, डेस्मोकोलिन, प्लेकोग्लोबुलिन, प्लेकोफिलिन और डेस्मोप्लेकिन, ये तमाम मिलके डेस्मोसोम का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है ये स्ट्रक्चर क्योंकि इनकी ही कुछ एंटीजन के अंदर डिफेक्ट से डेस्मोसोम का स्ट्रक्चर मुतासर होता है और टूटता है। पैथोजेनेसिस ऑफ एकेंथेलियोसिस एंड इम्यूनोबुलस डिसऑर्डर्स। Blistering develop as a consequence of autoantibodies direct against a variety of desmosomal protein. Desmoglein 1 is the antigen site of pemphigus foliaceus and pemphigus erythematosus, and desmoglein 3, which is particularly effective particularly there in mucosal surfaces. So ye mucous membrane pemphigus jo hoti hai usme desmo ग्लाइन 3 का रोल है और स्किन डेस्मोग्लाइन 1 ही। पेम्फिगस वल्गैरिस, तो पेम्फिगस वल्गैरिस, पेम्फिगस वेजिटेंस, आईजीए पेम्फिगस और ड्रग इंड्यूस्ड पेम्फिगस, इन सब के अंदर ये दोनों एंटीजन्स हैं जिनके ऊपर एंटीबॉडीज अटैच होती है। डेस्मोग्लाइन 1 इज इन पेम्फिगस फोलिएशियस एंड एरिथेमेटोसस एंड डेस्मोग्लाइन 3 एंड डेस्मोग्लाइन 1 बोथ इन पेम्फिगस वल्गैरिस, वेजिटेंस, आईजीए पेम्फिगस एंड ड्रग इंड्यूस्ड पेम्फिगस। सबसे पहले हम पेम्फिगस फोलिएशियस को डिस्कस करते हैं। देयर इज अ जनरलाइज स्केलिंग इन सबोरिक एरियाज। मैं इसको पेम्फिगस फोलिएशियस के क्लिनिकल अपीयरेंस को अपने ट्रेनीज को इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि जब कभी आप एक बिगड़ा हुआ या एक खराब सबोरिक डर्माटाइटिस का पेशेंट देखें, बिगड़ा हुआ या खराब, या जिसको आप सिवियर सबोरिक डर्माटाइटिस कह रहे हों, या जिसको आप ये कहते हो कि ये इन्फेक्टेड सबोरिक डर्माटाइटिस है, हर उस मरीज के ऊपर जरा तवज्जो से ये गौर करें कि ये पेम्फिगस फोलिएशियस का मरीज तो नहीं। बेसिकली पेम्फिगस फोलिएशियस चूंकि सब कॉर्नियल है, इसलिए दिस वुड प्रेजेंट मोर एज स्केली रैश विद वेरी सुपरफिशियल इरोजन, वेरी सुपरफिशियल। पेम्फिगस फोलिएशियस में देयर विल बी अ सब कॉर्नियल ब्लिस्टर। पेम्फिगस ग्रुप ऑफ डिजीजेस के लिए याद रखें कि इनमें कोई भी खास इन्फ्लेमेटरी सेल टिपिकल नहीं है। पेम्फिगस में ये भी हो सकता है कि उस ब्लिस्टर में कोई सेल ना हो, ये भी हो सकता है कि उसके अंदर ईओसिनोफिल हो, और ये भी हो सकता है कि न्यूट्रोफिल हो, ये भी हो सकता है कि उसके अंदर सिर्फ लिम्फोसाइट्स। तो इसलिए कोई भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स पेम्फिगस के ब्लिस्टर के लिए टिपिकल नहीं, सिर्फ सीरम होगा और आम तौर पे सेल पुअर ब्लिस्टर होगा। पेम्फिगस फोलिएशियस में देयर ब्लिस्टर विल बी सब कॉर्नियल, स्ट्रेटम कॉर्नियम इंटैक्ट होगी और उसके नीचे ब्लिस्टर होगा, एंड देन द मोस्ट ऑफ द एपिडर्मिस विल बी एट द बेस ऑफ द ब्लिस्टर। सिंस दिस इज अ वेरी सुपरफिशियल ब्लिस्टर, दैट्स व्हाई इट इजिली रप्चर लीडिंग टू सुपरफिशियल इरोजन। इंटैक्ट ब्लिस्टर मिलना पेम्फिगस फोलिएशियस में बहुत मुश्किल है। और थोड़ी से गौर करेंगे तो इस ब्लिस्टर के अंदर आपको राउंड राउंड एक एंथोलाइटिक सेल्स नजर आ जाएंगे, देन द डायग्नोसिस वुड बी क्वाइट इजी। अनदर एग्जांपल है कि जिसके अंदर सब कॉर्नियल ब्लिस्टर है, लेकिन नाउ दिस इज न्यूट्रोफिल रिच ब्लिस्टर, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन आम तौर पे सब कॉर्नियल ब्लिस्टर विद न्यूट्रोफिल एंड विद एक एंथोलाइटिक सेल, आजकल इसका डायग्नोसिस IgA पेम्फिगस होता है, प्रोवाइडेड कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस उसको सपोर्ट करे। लेकिन पेम्फिगस फोलिएशियस और IgA पेम्फिगस की प्रेजेंटेशन
हिस्टोलॉजिकली एक दूसरे से मिल सकती है। क्लिनिकली आपको मैं ये एक दफा मैंने पहले भी बताया था जब मैं क्लिनिकल स्लाइड्स कर रहा था कि IGA pemphigus has a tendency to form annular lesions. Clinically, IGA pemphigus pemphigus foliaceus से different इस तरह से हो सकता है कि होंगे तो उसमें भी flaccid blisters, लेकिन annular configuration में होंगे, जबकि pemphigus foliaceus में annular configuration में blisters नहीं होते। तो अब histology की अगर हम बात करें तो subcorneal blister with neutrophils and with acantholytic cell, it and number one diagnosis should be IGA pemphigus and number two would be pemphigus foliaceus. जब हम डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे और डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस हम पेरीलीजनल स्किन से करेंगे और पेरीलीजनल स्किन ब्लिस्टर के 1 सेंटीमीटर रेडियस की से जो स्किन निकाली जाएगी वो पेरीलीजनल स्किन, तो आपको एक फिश नेट पैटर्न मिलेगा जो बिल्कुल सुपरफिशियल केराटिनोसाइट्स के दरमियान वो फिश नेट पैटर्न होगा। थ्रू आउट द एपिडर्मस फिश नेट पैटर्न नहीं होगा। थ्रू आउट द एपिडर्मस फिश नेट पैटर्न पेम्फिगस वल्गैरिस में होता है। पेम्फिगस फोलिएशियस में ये पैटर्न सिर्फ सुपरफिशियल होगा और जो इम्यूनोग्लोबुलिन मिलेगी वो होगी IgG इम्यूनोग्लोबुलिन। इन बाज दफा C3 भी मिलती है इन फिश नेट पैटर्न। फिश नेट पैटर्न क्यों? जो एंटीबॉडीज हैं IgG वो अटैच हैं डेस्मोग्लाइन 1 के साथ। डेस्मोग्लाइन आर पार्ट ऑफ डेस्मोसोम। डेस्मोसोम सेल्स के दरमियान है। ये जो ग्रीन एरियाज हैं यहाँ पे जो ओरिजिनल एंटीबॉडीज थी उनके ऊपर एंटीग्लोबुलिन एंटीबॉडीज बैठी हैं जो फ्लोरोसेंट टैग्ड है। ये सारा जो प्रोसेस है DIF का वो मैंने अपनी वीडियो में डाल दिया और आई होप आप लोगों ने वो देखा हुआ है, तो मैं अब वो प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो DIF की जो फ्लोरोसेंट टैग एंटीबॉडीज थी वो जब हम इसको फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में देखेंगे तो हमें फ्लोरोसेंस नजर आएगी इंटरसेलुलर। IgG और C3 दोनों, C3 कम लेकिन IgG मीन। दिस इज पेम्फिगस IGA पेम्फिगस अगेन अ सबकॉर्नियल ब्लिस्टर विद न्यूट्रोफिल्स एंड एकेंथोलाइटिक। अब यहाँ पे वैसे ही फिश नेट पैटर्न होगा IGA पेम्फिगस का जैसे पेम्फिगस फोलिएशियस में। फर्क ये होगा कि जो एंटीबॉडीज IGA पेम्फिगस मिलेंगी वो IGA एंटीबॉडीज होंगी, IgG नहीं होंगी। तो ये डिफरेंस होगा। हो सकता है कि हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस और क्लिनिकल अपीयरेंस दोनों की एक जैसी, लेकिन जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस अपीयरेंस डिफरेंट हो। और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि IGA ग्रुप ऑफ डिजीजेस को हम डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं और IgG वाली बीमारियां हम मुख्तलिफ तरीके से ट्रीट करते हैं। सबकॉर्नियल पस्टुलर डर्मेटोसिस इट इज नॉट एन ऑटो इम्यून ब्लिस्टिंग डिसऑर्डर बट सिंस इट वुड रिजल्ट इन सबकॉर्नियल पस्टुल इट इज इंक्लूडेड हेयर इन दिस सेक्शन। जो सबकॉर्नियल पस्टुलर डर्मेटोसिस में फ्लेक्चरल एरियाज एब्डोमिन और ट्रंक पे सर्सिनेट और सर्पिजिनस ग्रुप ऑफ ब्लिस्टर्स होंगे और शीट की शक्ल में होंगे। सबकॉर्नियल पस्टुलर डर्मेटोसिस वुड कम इन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पस्टुलर सोरेसिस ऑफ एक्यूट जनरलाइज्ड एक्सैंथेमिक पस्टुलोसिस बुलस इम्पेटाइगो। ये सारे डिफरेंशियल्स आपने पस्टुलर मिलेरिया वगैरह वगैरह ये सारे आपने डिफरेंशियल्स जहन में रखने हैं सब कॉर्नियल। और अगर ब्लिस्टर्स बड़े होंगे तो फिर हम बुलस पेम्फिगॉइड वगैरह का भी सोच सकते हैं। सब कॉर्नियल पस्टुलर डर्मेटोसिस की बहुत टिपिकल हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस होगी। देर विल बी लार्ज सब कॉर्नियल ब्लिस्टर्स विद नो एकेंथोलाइटिक सेल और जो एपिडर्मस है इट वुड बी एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड ब्लिस्टर वुड बी सिटिंग ऑन द नॉर्मल एपिडर्मस। न्यूमरस न्यूट्रोफिल्स अब यहाँ पे जहन में रखें। अब जिसने सोरेसिस पस्टुलर सोरेसिस वाला चैप्टर अटेंड किया है वो देखेगा कि मनरो एब्सेस की तरह लग रहे हैं लेकिन दिस इज अंडरनीथ द स्ट्रेटम कॉर्नियम और ये जो ब्लिस्टर है इसका पैराकेराटोसिस से कोई ताल्लुक। तो इन एब्सेंस ऑफ पैराकेराटोसिस सब कॉर्नियल ब्लिस्टर होगा तो हमने इन एब्सेंस ऑफ पैराकेराटोसिस इन एब्सेंस ऑफ एकेंथोलाइटिस फिर हमने सब कॉर्नियल पस्टुलर डर्मेटोसिस
सब कॉर्नियल पस्टुलर डर्मेटोसिस की अगर आप इम्यूनोफ्लोरेसेंस कराएंगे तो देयर विल बी नेगेटिव इम्यूनोफ्लोरेसेंस फाइंड, जबकि आईजीए पेम्फिगस या पेम्फिगस फोलिएशियस की इम्यूनोफ्लोरेसेंस मैंने आपको बता दी। बुलस इम्पेटाइगो का यहाँ पे जिक्र करना है क्योंकि बुलस इम्पेटाइगो विल ऑल्सो रिजल्ट इन अ सब कॉर्नियल ब्लिस्टर। यू ऑल नो कि बुलस इम्पेटाइगो सब कॉर्नियल होता है और इसमें भी बड़े ही फ्लैसिड ब्लिस्टर्स बनते हैं जो बहुत जल्दी उतर जाते हैं, लीविंग रॉ इरोजन। अगेन सब कॉर्नियल स्प्लिट होगी इसके अंदर, लेकिन सब कॉर्नियल पस्टुलर डर्मेटोसिस की तरह इट विल नॉट बी अ न्यूट्रोफिलिक रिच एरिया, न्यूट्रोफिलिक रिच एरिया नहीं होगा। और बाज दफा आपको बैक्टीरियल कॉलोनीज भी नजर आ, तो सब कॉर्नियल स्प्लिट बुलस इम्पेटाइगो में भी होगी। फर्क ये होगा कि एक एंथोलिसिस भी बाज दफा आपको बुलस इम्पेटाइगो में मिल सकता है। एक तो कई कई दफा कंफ्यूजन पड़ सकती है बुलस इम्पेटाइगो की डायग्नोसिस में और बुलस इम्पेटाइगो की बुलस इम्पेटाइगो की डायग्नोसिस में और बाकी पेम्फिगस फोलिएशियस की डायग्नोसिस में, लेकिन जनरली बुलस इम्पेटाइगो में एक एंथोलिसिस नहीं मिलेगा, सब कॉर्नियल स्प्लिट होगी, न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं और बैक्टीरियल कॉलोनीज जो आपको डर्टी डर्टी एरियाज नजर आएंगे, छोटे छोटे कोकाए नजर आ रहे होंगे वो आपको मिल सकता है। स्टेफलोकोकल स्कारलेट स्किन सिंड्रोम इज एन एक्सटेंसिव डीस्कमिशन। अब आप यहाँ पे देखें ये डीस्कमिशन ऐसे है कि जैसे छिलके उतर रहे हैं, इट इज नॉट लाइक टैन कि जिसमें शीट्स ऑफ एपिडर्मस उतरता है। दिस ये जो उतर रही है ना छिलके, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम उतर रहा है, क्योंकि स्प्लिट स्टेफलोकोकल स्कारलेट स्किन सिंड्रोम में बिल्कुल बुलस इम्पेटाइगो की तरह से सब कॉर्नियल है, जो ब्रेक आ रहा है वो सब कॉर्नियल ब्रेक आ रहा है, इसलिए ऊपर से स्ट्रेटम कॉर्नियम उतर रहा है। स्ट्रेटम कॉर्नियम इस तरह से सुपरफिशियल शीट्स की तरह से उतरे। अगेन सब कॉर्नियल एंड लेवल ऑफ ग्रेनुलर लेयर। अच्छा यहाँ पे एक एंथोलिटिक सेल्स दिखाएं। इस तरह की हिस्टोलॉजी अगर एग्जाम में आपकी लगी होगी तो आपने कभी भी बुलस इम्पेटाइगो नहीं कहना, आपने इसका आंसर पेम्फिगस फोलिएशियस ही कहना। यहाँ पे इस टिपिकल हिस्टोलॉजी जो है ना, ये पेम्फिगस फोलिएशियस की है, सब कॉर्नियल ब्लिस्टर है, एक एंथोलिटिक सेल्स उस ब्लिस्टर के अंदर गिर रहे हैं। यहाँ पे मामला एक तो क्लिनिकल अपीयरेंस से हल होगा, नंबर टू इम्यूनोफ्लोरेसेंस से हल होगा। जाहिर है इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेफलोकोकल स्कारलेट स्किन सिंड्रोम में नेगेटिव। तो वी वुड लाइक टू समराइज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ सब कॉर्नियल पस्टुला, पेम्फिगस फोलिएशियस, आईजीए पेम्फिगस, सब कॉर्नियल पस्टुला डर्मेटोसिस, पस्टुलर सोरायसिस एंड रीटर सिंड्रोम। इन दोनों केसेस में there will be Munro abscesses, parakeratosis. Then bullous impetigo, staphylococcal scalded skin syndrome. In dono cases mein subcorneal blister hoga aur aapko bacterial colonies bullous impetigo mein milengi, staphylococcal scalded mein nahi milengi, kyunki this is a toxin mediated disease. Phir pustular fungal infection, yahan pe neutrophils mil sakte hain, fungal colonies mil sakte hain. Pustular drug reaction, pustular drug reaction mein dermis mein eosinophils, लेकिन बेसिक अपीयरेंस सब कॉर्नियल पस्टुला की है। ब्राजीलियन पेम्फिगस फोलिएशियस इज एन एंडेमिक डिजीज, पॉसिबली ड्यू टू बाइट ऑफ अ ब्लैक फ्लाई बिलोंगिंग टू अ फैमिली स्टिमुलाइडीज। द लीजन्स शो वेरी सिवेयर स्केलिंग एंड ब्लिस्टर्स आर नॉट अपीयरिंग। ये भी जो इसकी लुक होती है पेम्फिगस फोलिएशियस की, ब्राजीलियन पेम्फिगस फोलिएशियस की, वो पेम्फिगस फोलिएशिया से मिलेगी। एक और डिफरेंशियल जो इस केस में आपको जहन में रखना है वो क्रस्टेड स्केबीज का, फैगोसेल्वन भी इसका दूसरा नाम है। हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स आर आइडेंटिकल टू पेम्फिगस फोलिएशिया, वही सब कॉर्नियल स्प्लिट विद ए कैंपस, एंड इम्यूनोलॉजिकल फीचर्स आर ऑल्सो सिमिलर टू पेम्फिगस फोलिएशिया, और इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी पेम्फिगस फोलिएशिया वाली होगी। पेम्फिगस फोलिएशिया की DIF, fish net pattern in superficial portion of stratum spine. Pemphigus erythematosus
It's a overlap of SLE and pemphigus foliaceus. SLE and pemphigus foliaceus. There will be scarring and erythema affecting both cheeks. Clinically, localized pemphigus foliaceus and a butterfly rash. Histopathological features are identical to pemphigus foliaceus, pemphigus ectomatum. Direct immunofluorescence. Direct immunofluorescence is tricky because it will be intracellular staining bhi hogi, IgG ki, and complement, as in pemphigus foliaceus. And basement membrane, you will get SLE mixed immunoglobulin pattern milega, granular form. Mein, IgG bhi ho sakta hai, IgA bhi ho sakta hai, aur IgM tino ho sakta. So, chunke as the name signifies, pemphigus erythematosus is an overlap between pemphigus foliaceus and SLE. Clinically bhi overlap hoga, butterfly rash bhi hoga aur pemphigus foliaceus ke lesion. Histopathologically, it will be pemphigus foliaceus only. But immunofluorescence, DIF ki finding, pemphigus foliaceus aur SLE ki mix hongi. Clinically bhi mix hai. Immunofluorescence bhi mix hai. Lekin histopathology pemphigus foliaceus. Ye ho gaya pemphigus erythematosus. Now, hamara sabse common vesicobulous ya autoimmune blistering disorder, pemphigus vulgaris. You have all have seen so many cases. Mujhe iski clinical appearance explain karne ki zarurat nahi. Aur histology bhi aapko malum hai ki pemphigus vulgaris ke blister ko supra basal blister kaha jata hai. क्योंकि ये ब्लिस्टर बेजल लेयर के ऊपर होता है और बेजल लेयर इंटैक्ट होती है और बेजल लेयर के जो सेल्स हैं दे आर लाइनिंग द डर्मल पेपिली. डर्मल पेपिली डर्मिस का वो पोर्शन है कि जिस जो रेटी रिजेस के दरमियान में एंटर हो रहा होता है. तो रेटी रिजेस तो गायब हो गई बिकॉज ऑफ एकेंथोलिसिस, लेकिन डर्मल पेपिली रह गई. तो ये जो बेजल सेल्स हैं ये डर्मल पेपिली के ऊपर अटैच रह गए हैं और बाकी एपिडर्मस ऊपर चली गई. ये सेल्स जो डर्मल पेपिली के ऊपर हैं ये इवन आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है. डेस्मोसोमल्स, मसला ये है कि पेम्फिगस वल्गैरिस में डेस्मोसोमल जंक्शंस डैमेज हो गए लेकिन हेमी डेस्मोसोम्स डैमेज नहीं हुए. दैट्स वाई जो बेजल लेयर के सेल्स हैं वो हेमी डेस्मोसोम्स की वजह से डर्मल पेपिली के ऊपर तो अटैच है लेकिन आपस में भी वो अटैच नहीं है क्योंकि डेस्मोसोम्स टूट चुके हैं. तो सेल्स अलग अलग पड़े हुए नजर आएंगे डर्मल पेपिली पे एंड दीज सेल्स गिव द सो कॉल्ड अपीयरेंस ऑफ टूम स्टोन, जिस तरह से कब्रों के कतबे. जो ब्लिस्टर कैविटी है उसके अंदर एक एंथोरेटिक सेल है, फिब्रिन है, सीरम है और इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट है जो किसी भी तरह का हो सकता है. दैट इज नॉट टिपिकल. ये एक बहुत क्लीन सा ब्लिस्टर है. आपको टूम स्टोन्स भी नजर आ रहे हैं और आपको एक एंथोलिटिक सेल्स भी एक आध नजर आ रहा है. पेम्फिगस वल्गैरिस में एक चीज जो बहुत अच्छा क्लू है पेम्फिगस वल्गैरिस को पकड़ने का वो ये है कि ये जो एक एंथोलिसिस होता है सुप्रा बेजल एक एंथोलिसिस जो यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जो हेयर फॉलिकल्स हैं उस सेक्शन में उनके अंदर भी ये एक एंथोलिसिस हो रहा होता है. एक एंथोलिसिस इसके अंदर हेयर फॉलिकल्स में भी हो रहा होता है और ये वो फीचर है पेम्फिगस वल्गैरिस का जो डिफ्रेंशिएट करता है उसको हेले हेले से और चीजों के अलावा. अगर हम डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस करें पेरिलीजनल स्किन की पेम्फिगस वल्गैरिस में तो आईजीजी और कॉम्प्लीमेंट दोनों आपको मिलेंगे throughout the stratum spinal in a fish net pattern along the desmosome. Pemphigus vegetans, pemphigus vulgaris ki wo form hai jo hum aam taur pe flexural surfaces pe dekhte hain. Characterized by hypertrophic flexural vegetations and in addition to that note down the numerous intact vesicles. तो पेम्फिगस वेजिटल्स इम्यूनोफ्लोरेसेंस बड़ी इसकी टिपिकल है. एक तो हिस्टोपैथोलॉजी बड़ी टिपिकल है. हिस्टोपैथोलॉजिकल अपीयरेंस में एक जो टिपिकल फीचर जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वो एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया. द
जाहिर है वेजिटेटिंग लीजन्स हैं, इतने प्लाक्स हैं उभरे हुए, तो हिस्टोलॉजिकली भी हाइपरप्लेजिया होगा, और इस हाइपरप्लेजिया के अलावा एक एंथोलिसिस भी होगा, लेकिन इसके साथ साथ इंट्रा एपिडर्मल आपको एब्सेसेस मिलेंगे, न्यूट्रोफिलिक और इओसिनोफिलिक। पेम्फिकस हर्पेटिफॉर्मस, पेम्फिकस हर्पेटिफॉर्मस एक पेम्फिकस की वैरायटी है कि जिसमें क्लिनिकली द लीजन्स विल लुक लाइक डीएच, वेसिकल्स होंगे और प्रूरिटिक होंगे, एक्सकोरिएटेड होंगे, एक्सटेंसर्स पे। डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस की जो फाइंडिंग है वो पेम्फिकस वाली होगी, डीएच वाली आईजीए फाइंडिंग नहीं होगी, और हिस्टोपैथोलॉजी विल शो इओसिनोफिलिक और बोथ इओसिनोफिलिक एंड न्यूट्रोफिलिक स्पॉन्जियोसिस, इंट्रा एपिडर्मल वेसिकल एंड पस्टूल्स एंड पेपुलरी टिप माइक्रो एब्सेसेस। यानी कि जो हिस्टोलॉजी है वो पेम्फिकस और डीएच के मिक्सचर है। क्लिनिकली डीएच, ये याद रखना, क्लिनिकली डीएच डीआईएफ पेम्फिकस और हिस्टोलॉजी मिक्सचर बिटवीन पेम्फिकस एंड डीएच। पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिकस, एंड इन पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिकस इज अ पेम्फिकस व्हिच इज एसोसिएटेड विद सेवरल solid or blood malignancies. Antibodies are directed to desmosomals and hemidesmosomal plaquen family in addition to desmoglein 1 and 3. Ab ye jo hemidesmosomal plaquen family ke against jo antibodies paraneoplastic pemphigus mein hoti hain, isi wajah se paraneoplastic pemphigus mein in addition to acantholysis there is separation at the dermo-epidermal junction. इसीलिए पैरानियोप्लास्टिक की पेम्फिकस की हिस्टोलॉजी इज अ मिक्सचर बिटवीन 10 एंड पेम्फिकस। डीआईएफ शोज इमी आईजीजी डिपोजिशन इंटरसेलुलरली एंड द ग्रैनुलर डिपोजिशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट अलोंग द बेसमेंट। हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स आर मिक्सचर ऑफ पेम्फिकस एंड 10, क्योंकि हेमीडेस्मोसोम्स भी टूट रहा है। हेमीडेस्मोसोम्स अभी तक किसी भी इससे पहले वाली किसी भी पेम्फिकस ग्रुप ऑफ डिजीजेस में हेमीडेस्मोसोम्स के खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं थी, ये एंटीबॉडीज पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिकस में आई जब भी पेम्फिकस की फाइंडिंग के साथ 10 की फाइंडिंग्स भी होती हैं हिस्टोपैथोलॉजी। नाउ जेनेटिकली मीडिएटेड एकेंथोलाइटिक एलएएलए डिजीज, एक्सिलरी स्किन शो एरिथेमेटस इरोडेड एंड क्रस्टेड लेजन। ये आमतौर पर फ्लेक्सरल होगा, एक्सिली में होगा, ग्रोइन में होगा। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा टीनिया के साथ, आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा कैंडिडिएसिस के साथ, फ्लेक्सरल सोरायसिस के साथ, जो फ्लेक्सरल डिजीजेस हैं उनको आपने डिफ्रेंशिएट करना होगा। इट गिव्स अ टिपिकल मड क्रैक अपीयर, और हिस्टोलॉजी में डिस्क्राइब किया जाता है हेले हेले को पार्शियल एकेंथोलिसिस, ये एक एंथोलिसिस हो तो रहा है लेकिन बहुत पार्शल है। और एक और बात, पेम्फिकस में आप एक ब्लिस्टर निकालते हैं, एक लिमिटेड होता है, लेकिन हेले हेले डिजीज में आप बायोप्सी करते हैं तो ये जो पार्शल एक एंथोलिसिस ये थ्रू एंड थ्रू बायोप्सी में नजर आता रहता है, कहीं भी बड़ा ब्लिस्टर नहीं मिलेगा, लेकिन दरमियान में से एक टूटे टूटे से या सेल्स एक दूसरे से दूर होते हुए नजर आएंगे। इस अपीयरेंस को हम कहते हैं डिलिपिडेटेड ब्रिक वॉल अपीयरेंस। डिलिपिडेटेड ब्रिक वॉल उन वो दीवारें हैं जो पुरानी कदीम इमारतों में होती हैं, कि जिनमें अगर आपने देखा हो कि हर थोड़ी देर की जगह के बाद एक ब्रिक निकली हुई होती है या गायब होती है, तो इस तरह से ना टूटी हुई पुरानी दीवार की तरह अपीयरेंस देती है हेले हेले डिजीज। और मैंने आपको बताया था इससे पहले, कभी हेले हेले डिजीज और पेम्फिकस वल्गैरिस में कन्फ्यूजन हो तो एक तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये है कि ये एक एंथोलिसिस तो है लेकिन सुप्रा बेजल ब्लिस्टर नहीं, ये पार्शल एक एंथोलिसिस। नंबर टू, ये थ्रू एंड थ्रू थ्रू आउट द बायोप्सी आपको नजर आएगा, कोई फोकल एरियाज नहीं होंगे। और तीसरी बात ये कि अगर इस सेक्शन में कहीं पे हेयर फॉलिकल मिल जाएगा जैसे कि ये पड़ा हुआ है, तो उस हेयर फॉलिकल के अंदर एक एंथोलिसिस नहीं होगा।
जबकि पेम्फिगस वल्गैरिस में होगा, ये पार्शियल एकेंटेरियस डिजीज। डेरियस डिजीज आर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डर्टी ब्राउन स्केली पेप्यूल्स ऑन इन द सेबोरिक डिस्ट्रिक्ट। तो कुछ डिजीजेस हैं जो बहुत टिपिकल सेबोरिक डिस्ट्रीब्यूशन में होती हैं, जैसे कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जैसे कि पेम्फिगस फोलिएशियस, जैसे कि डेरियस डिजीज और जैसे कि लैंगरहैंस सेल हिस्टोसाइटिस। तो ये भी सेबोरिक डिस्ट्रीब्यूशन में होगी, लेकिन इसके जो स्केल्स हैं वो डर्टी ब्राउन स्केल्स। डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस एक फॉलिकुलर डिजीज, इट्स अ फॉलिकुलर डिजीज, दैट्स वाई आपने जो भी फाइंडिंग्स हैं वो हेयर फॉलिकल्स में ढूंढी। ये हेयर फॉलिकल है और यहाँ पे एक प्लग घुसा हुआ है, इसको हम फॉलिकुलर प्लगिंग कहते हैं। इसके अलावा इस फॉलिकल के नीचे सुप्रा बेजल ब्लिस्टर है, यहाँ पे आप ये देखें ये टूम स्टोन्स भी नजर आ रहे हैं, एक एंथोलिटिक सेल्स भी नजर आ रहे हैं। अब और फाइंडिंग्स देखते हैं जो टिपिकली डेरियर डिजीज में डिस्क्राइब की जाती है। डेरियर डिजीज, हेले हेले डिजीज और ग्रोवर्स डिजीज, ये तीनों के तीनों एक एंथोलिटिक डिसऑर्डर हैं बट जेनेटिकली मेडिएटेड एक एंथोलिटिक डिसऑर्डर। इन तमाम बीमारियों में द कॉज इज बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन कैल्शियम पंप रिजल्टिंग इन वीकनिंग ऑफ डेस्मोसोमल जंक्शन, और इसकी वजह से जो कैरेटिनाइजेशन है, प्रोसेस ऑफ कैरेटिनाइजेशन, वो भी मुतासर होती है। इसलिए आपको डिसकेराटोटिक या एबनॉर्मली कैरेटिनाइज्ड कैरेटिनोसाइट्स मिलते हैं। डिसकेराटोटिक या एबनॉर्मली कैरेटिनाइज्ड कैरेटिनोसाइट, तो एबनॉर्मली कैरेटिनाइज्ड कैरेटिनोसाइट्स कोरॉन्स कहलाते हैं। ये कोरॉन की टिपिकल अपीयरेंस है कि एक सेल है जिसके गिर्द एक हेलो है और न्यूक्लियस भी डिस्टॉर्टेड है। ये कोरॉन्स पाए जाएंगे आपको एपिडर्मस के उस हिस्से में कि जो सुप्रा बेजल एक एंथोलिसिस के ऊपर हो। कोरॉन्स विल बी सीन टिपिकली इन डेरियर्स, ऑल्सो इन ग्रोवर्स एंड ऑल्सो इन हेले हेले बट लेस कॉमन। एक और जो फीचर हम डिस्क्राइब करते हैं डेरियस डिजीज में वो ग्रेन्स। ग्रेन्स विल लुक लाइक पैराकेराटोटिक सेल्स, जैसे रिटेंशन ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं केराटिनोसाइट्स, बट एक्चुअली ग्रेन्स आर नॉट ट्रू सेंस न्यूक्लियर। पिगमेंट भी है ये तकरीबन, ये न्यूक्लियर मटीरियल है लेकिन ये ट्रू मानों में न्यूक्लियस नहीं, और ये आपको ग्रेन्स उस कैरेटिन प्लग के अंदर मिलेगा जो फॉलिकल्स के दरमियान में फंसा हुआ है। ग्रेन्स विल बी हेयर, कोरॉन्स विल बी हेयर इन द एपिडर्म, और सुप्रा बेजल एक एंथोलिसिस होगा विद एक एंथोलिटिक। तो क्या कोरॉन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देयर आर केराटो हाइलाइन ग्रेन्यूल्स एंड टोनो फिलामेंट क्लंप सराउंडिंग द न्यूक्लियस और पेरी न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक। ये न्यूक्लिया लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम ग्रेन्स कहते हैं। ग्रोवर्स डिजीज, ग्रोवर डिजीज आमतौर पे फेयर स्किन में होती है, हमारे लोगों को नहीं होती, लेकिन फिर भी आप ग्रोवर डिजीज को डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रख सकते हैं जब आप ट्रंक के ऊपर इरिथेमेटस पेप्यूल्स की डीडी कर रहे हैं। ये जो अपीयरेंस है ये मिलेरिया रूबरा की भी हो सकती है, ये बड़ी टिपिकल मिलेरिया रूबरा की अपीयरेंस, कोई एक्नीफॉर्म रैश भी लग सकता है, पिट्रासोस्पोरम फॉलिकुलाइटिस भी हो सकता है, लेकिन ये जो अपीयरेंस है ये इरिथेमेटस पेप्यूल्स की है ऑन अ फेयर स्किन। ग्रोवर डिजीज के अंदर हेले हेले डिजीज के फीचर्स होंगे लेकिन मिनिएचर फीचर्स, छोटे फीचर्स, और ये सुप्रा बेजल एक एंथोलिसिस के अलावा डिसकेराटोटिक सेल्स भी नजर आएंगे, लेकिन ये सारी फीचर्स लोकलाइज क्यों है, क्योंकि क्लिनिकली आपको बताया कि ये क्लिनिकल इसकी लुक है इरिथेमेटस पेप्यूल्स की।
इरिथीमेटस पैप्यूल इवन वेजिकल्स भी नहीं, और इरिथीमेटस पैप्यूल्स को डायग्नोज करना हिस्टोपैथोलॉजी के अलावा कि ये ग्रोवर्स डिजीज है ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रोवर्स हेले हेले और डेरियर की इम्यूनोफ्लोरेसेंस नेगेटिव हो, इंट्रा एपिडर्मल ब्लिस्टर। अब वो ब्लिस्टर के जिसमें जो ब्लिस्टर है वो एपिडर्मस के अंदर है और ब्लिस्टर के ऊपर और ब्लिस्टर के नीचे स्ट्रेटम कॉर्नियम इंटैक्ट है, दिस इज मोस्ट टिपिकल ऑफ स्पॉन्जियोटिक ब्लिस्टर, स्पॉन्जियोटिक ब्लिस्टर। लेकिन बाज दफा वायरल इंफेक्शन में भी इस तरह का ब्लिस्टर हो जाता है। हर्पीस सिंप्लेक्स का ब्लिस्टर में क्या हाल? हर्पीस सिंप्लेक्स में एक एंथोलिटिक सेल्स होंगे, ब्लिस्टर इंट्रा एपिडर्मल होगा और एक एंथोलिटिक सेल्स जो के एक्जिमा में नहीं होंगे, ये एक एंथोलिटिक सेल्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो चीज और यहाँ पे टिपिकल नजर आ रही है वो टिपिकल इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन। ये जो ब्लू ब्लू कलर के आपको एरियाज नजर आ रहे हैं ये केराटिनोसाइट्स के न्यूक्लियाए हैं, और ये इंक्लूजन जो ब्लू एरियाज है ना, ये इंक्लूजन ये वायरल इंक्लूजन, हर्पीज वायरस, ये एक्चुअली हर्पीज वायरस है जो केराटिनोसाइट्स के न्यूक्लियाई के अंदर घुसा हुआ है। इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन इन केराटिनोसाइट्स। और दूसरा ये एपिथीलियल जॉइंट्स है, ये मैक्रोफेजेस नहीं है, ये मुख्तलिफ केराटिनोसाइट्स हैं जो आपस में जुड़ के जॉइंट सेल्स बन गए। ये भी याद रखिए कि जो हर्पीस सिंप्लेक्स के जॉइंट सेल होते हैं वो मैक्रोफेजेस नहीं होते, वो केराटिनोसाइट जॉइंट सेल्स होते हैं जो आपस में जुड़ के जॉइंट सेल्स बन जाते हैं। नाउ वी हैव वी विल डिस्कस सब एपिडर्मल ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स, वो ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स के जो एपिडर्मस के नीचे होंगे। अभी तक कोई सवाल जो एपिडर्मल ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड? नो सर। ठीक है, आगे चलें। यस सर। सर ईएम में वो किसमें हम डाल देंगे? क्या चीज? ईएम सर एरिथेमा मल्टीफॉर्मी जो है अगर आया नहीं अभी तक, इसके मतलब है कि आएगा, अगर अभी तक नहीं आया तो आएगा ना। ये में सब एपिडर्मल मैंने अभी आपको बताया पेम्फिकस पैरानियोप्लास्टिकस में, कि पेम्फिकस पैरानियोप्लास्टिकस में जो एंटीबॉडीज हैं वो डेस्मोसोमल एंटीजेंस के खिलाफ भी बनते हैं, इसलिए एपिडर्मस और डर्मस के दरमियान प्लेट आती है और ब्लिस्टर बनता है। तो जाहिर है जो ब्लिस्टर है 10 में और स्टीवन जॉनसन में वो सब एपिडर्मल। वेजिकल और सर आप क्लियर एक्सपीरियंस में ये देखे पकान क्या हुआ, आवाज नहीं समझ नहीं आया। आईजीएमफीसेस आप देखे क्लियर एक्सपीरियंस में अपने? नहीं बेटा आवाज नहीं आई, भी समझ नहीं आया मुझे। आईजीएमफीसेस आप देखे मुझसे आप ये पूछ रहे हो कि आपने आईजीएमफीसेस के केसेस देखे हैं, ये आपने पूछा है मुझसे? IgA pemphigus is not a common blistering disorder. आपको pemphigus foliaceus तो बहुत ज्यादा मिलेगा लेकिन IgA pemphigus इतना common नहीं होता। और मेरा ये ख्याल है कि एक तो uncommon है और दूसरा miss हो जाता है easily। लेकिन मैंने एक केस के अलावा कोई मुझे याद नहीं है कि बहुत कि मैंने IgA pemphigus देखा हो। लेकिन IgA pemphigus is not as common as pemphigus foliaceus. Vesicle का मतलब है bladder और bulla का मतलब है bubble, is an accumulation of fluid either within or below the epidermis. Sub epidermal blisters develop at the epidermal or mucous basement membrane regions. The group include inherited, traumatic, iatrogenic,
एंड एक्वायर्ड और ऑटोइम्यून सेल रिच वेरिएंट। ये इस लाइन को मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देर आर सिक्स डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब एपिडर्मल ब्लिस्टर। नंबर वन, इनहेरिटेड म्यूटेशनल डिफेक्ट्स ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन विच इज सीन इन एपिडर्मोलाइसिस बुलोजा ग्रुप ऑफ डिजीज। ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन सीन इन बुलस पेम्फिगोइड डीएच एंड अदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। सेलुलर इम्यूनिटी मीडिएटेड डैमेज टू बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन विच इज सीन इन टेन एंड स्टीवन जॉनसन। मेटाबॉलिक डिजीजेस फॉर एग्जाम्पल पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्डा एमलाडोसिस एंड डायबिटीज दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ इनके हरे के अपने सर अपने आप इन सबको म्यूट कर दें, आवाज नहीं आ रही सबको। क्या एक ही कभी कभी कोई अनम्यूट कर लेते हैं अपने आप को, वरना सारे तो म्यूट ही हैं। अच्छा, नंबर थर्ड इज सेलुलर इम्यूनिटी मीडिएटेड डैमेज जो मैंने स्टीवन जॉनसन और टेन। मेटाबॉलिक डिजीज में अलग अलग कॉजेज हैं सब एपिडर्मल ब्लिस्टरिंग के, लाइक पोर्फायरिया क्यूटेनिया टार्डा एमलाडोसिस एंड डायबिटीज। फिर आफ्टर प्रोलॉन्ग सब एपिडर्मल सर कोई क्रोटलैन शौकत है, उनका माइक म्यूट नहीं है, वो म्यूट करवा दें। क्रोटलैन शौकत अपना माइक बंद करें। इन हुमा का भी है, मैंने आप लोगों को अनम्यूट करने की दी हुई है, तो आप काइंडली उसको सही तरह यूज करें और लोग डिस्टर्ब ना करें और मुझे भी डिस्टर्ब ना होने दें। आफ्टर प्रोलॉन्ग सब एपिडर्मल एडिमा फॉर एग्जांपल इन बुलस इंसेक्ट बाइट एंड ड्यू टू डर्मल एक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस फॉर एग्जांपल इन स्वीट सिंड्रोम। सो दीज आर सिक्स डिफरेंट कॉजेज ऑफ सब एपिडर्मल ब्लिस्टर फॉर्मेशन। डर्मो एपिडर्मल जंक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं इंटू थ्री सुप्रा मॉलिकुलर नेटवर्क। द हेमिडेस्मोसोम्स एंकरिंग फिलामेंट कॉम्प्लेक्स, द बेसमेंट मेम्ब्रेन इटसेल्फ एन एंकरिंग फिब्रिल। दिस इज हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये इस तरह से नजर आएगी, थोड़ी सी ज्यादा इओसिनोफिलिक है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की हैंड ड्राइंग है, अल्ट्रा स्ट्रक्चरल। दीज आर द केराटिनोसाइट बेजल लेयर, ये हेमिडेस्मोसोम्स हैं, ये एंकरिंग फिलामेंट्स हैं और ये एंकरिंग फिब्रिल्स हैं, फिलामेंट्स और फिब्रिल्स। दिस इज तीन पोर्शंस हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन के। हेमिडेस्मोसोम्स के नीचे लेमिना ल्यूसिडा, फिर लेमिना डेंसा, फिर फाइब्रो रेटिकुलर लेमिना जिसको हम फाइब्रोनेक्टिन कहते हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन इज कंप्राइज्ड ऑफ लेमिना ल्यूसिडा, लेमिना डेंसा एंड फाइब्रोनेक्टिन, और इसके ऊपर हेमिडेस्मोसोम है, उसके नीचे एंकरिंग फिलामेंट्स हैं जो जो नीचे पेपिलोडर्मिस का हिस्सा है। अब एक और तस्वीर पिक्चर देखें यही बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन स्ट्रक्चर की, कि जो हमें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी जब हम आगे डिजीजेस डिस्कस करें। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है केराटिन 5 और 14। केराटिन 5 और 14 प्रोटीन्स हैं जो जो केराटिनोसाइट्स के अंदर पाए जाते हैं। इनकी वैल्यू है अपनी जो मैं अभी आपको बताऊंगा। केराटिन 5 14 आर द केराटिन प्रोटीन फाउंड इन केराटिनोसाइट। उसके बाद ये हेमिडेस्मोसोम है HD। इस हेमिडेस्मोसोम्स के ऊपर केराटिनोसाइट्स लगे हुए हैं। केराटिनोसाइट्स के हेमिडेस्मोसोम से अटैचमेंट प्लेक्टिन और बुलस पेम्फिगोइड 230 एंटीजन के जरिए। बुलस पेम्फिगोइड 230 एंटीजन, बुलस पेम्फिगोइड नंबर वन एंटीजन वन भी कही जाती है, क्योंकि ये मेन एंटीजन है बुलस पेम्फिगोइड। प्लेक्टिन मैंने बताया था कि पेफिकस पेरानियोप्लास्टिकस में प्लेक्टिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, इसलिए इन एंटीबॉडीज की वजह से जब प्लेक्टिन टूटेगी तो हेमिडेस्मोसोम्स टूट जाएंगे और उसके बाद ब्लिस्टर बनेगा सब एपिडर्मल। इस तरह से बुलस पेम्फिगोइड एंटीजन के खिलाफ जब एंटीबॉडीज लगेंगी तो बुलस तो हेमिडेस्मोसोम्स टूट जाएंगे और
फिर सब एपिडर्मल ब्लिस्टर बने, ये तो हेमिडेसमोसोम के होंगे। फिर इसके बाद ट्रांस मेम्ब्रेन एंटीजन्स, मतलब ये तो वो एंटीजन्स थी दो, प्लेक्टिन और बुलस पेम्फिगोइड 230, जो केराटिनोसाइट्स की बेस पे और हेमिडेसमोसोम्स के ऊपर लगी हुई। अब कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन एंटीजन्स हैं जो लेमिना ल्यूसिडा और लेमिना डेंसा और फाइब्रोनेक्टिन के अंदर पड़ी हुई है। उसमें से वन इज बुलस पेम्फिगोइड 180 एंटीजन, जिसको हम बुलस पेम्फिगोइड एंटीजन 2 भी कहते हैं। अल्फा 6 और बीटा 4 इंटेग्रिन, अल्फा 6 और बीटा 4 इंटेग्रिन, ये दो और एंटीजन्स हैं विच आर पार्ट ऑफ हेमिडेसमोसोम्स, बट ये ट्रांस मेम्ब्रेन एंटीजन। और लेमिनिन 5 इज बेसिकली एंकरिंग फिब्रिल्स, लेमिनिन 5 इज पार्ट ऑफ लेमिना ल्यूसिडा एंड लेमिना डेंसा, मेनली लेमिना ल्यूसिडा। अब एक चीज आपने और ध्यान में रखनी है कि जो हमारे आइंदा डिस्कशन में भी इम्पोर्टेंट है, कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ये तीन रीजन्स हैं, लेमिना ल्यूसिडा, लेमिना डेंसा और फाइब्रो रेटिकुलर लेमिना और फाइब्रोनेक्टिन। इसमें जो लेमिना ल्यूसिडा है, दिस इज द वीकेस्ट पोर्शन ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसलिए जब भी कोई इंसल्ट या डैमेज होगी, इट विल बी प्रेफरेबली एट द लेवल ऑफ लेमिना ल्यूसिडा। अब नीचे आते हैं लेमिना डेंसा से नीचे, लेमिना डेंसा के साथ अटैच्ड हैं एंकरिंग फिब्रिल्स जो टाइप 7 कोलिजन, और लेमिना डेंसा इज बाय इटसेल्फ इज कंपोज्ड ऑफ टाइप 4 कोलिजन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, अब हमने तीन एंटीजन्स यहां पे आइडेंटिफाई किए, एक केराटिन 514, केराटिन 514 आर पार्ट ऑफ केराटिनोसाइट, दूसरा एंटीजन है लेमिनिन 5, लेमिनिन 5 इज पार्ट ऑफ लेमिना ल्यूसिडा, देन टाइप 4 कोलिजन, टाइप 4 कोलिजन इज पार्ट ऑफ लेमिना डेंसा। ये तीन एंटीजन्स हमने आइडेंटिफाई किए, इसके अलावा एक और एंटीजन आइडेंटिफाई करें, वो टाइप 7 कोलिजन, टाइप 7 कोलिजन इज इन द पैपुलरी डर्मस, जो एंकरिंग फिलामेंट्स बनती है वो टाइप 7 कोलिजन से बनती, और एंकरिंग फिलामेंट्स अटैच होती हैं एंकरिंग प्लाक्स से। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से, ये नॉर्मली नजर नहीं आते। अब इस हेमिडेसमोसोम के स्ट्रक्चर को और बेसमेंट मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को आपने अच्छे तरीके से याद करना है, कि हमने अगला जो डिस्कशन है उसमें इनका रेफरेंस बार बार आएगा। The keratin intermediate filaments insert into the plaque portion that consists of bullous pemphigoid 230 and plectin. ये मैंने आपको बताया, plectin और bullous pemphigoid 230 keratin filament को attach करता है hemidesmosome के साथ। The transmembrane component consists of bullous pemphigoid 180 and alpha 6 beta 4 integrin. 180 alpha 6 beta 4 integrin transmembrane portion. The extracellular component of hemidesmosomes are subbasal dense plate and anchoring filaments. Anchoring filaments originates at the desmosome and pass through lamina lucida and inserted into lamina densa. These are now called as laminin 5. Laminin 5 are basically anchoring filaments. Lamina lucida is the weakest zone of dermoepidermal junction. It separates easily with heat, suction, or incubation with salt solution and in several autoimmune diseases. Type 4 collagen is the primary component of lamina densa and anchoring fibrils originate, and the anchoring fibrils originate at the lamina densa and extend into the dermis, and these are anchoring fibrils. Ye yahan se lamina densa shuru hue aur dermis mein ja rahe hain, anchoring plaques ke upar lag rahe hain, aur ye these are mainly type 7 collagen. तो एक दफा दोबारा, केराटिन 514, लेक्टिन, बुलस पेम्फिगोइड 230, बुलस पेम्फिगोइड 180, अल्फा 6 बीटा 4 इंटेग्रिन, लेमिनिन 5, लेमिना ल्यूसिडा, लेमिना डेंसा टाइप 4 कोलेजन, और एंकरिंग फिलामेंट्स टाइप 7 कोलेजन। यूज ऑफ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री इन डिटरमिनिंग द साइट ऑफ स्प्लिट। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एक टेक्निक है जिस टेक्निक के जरिए हम
आम तौर पे ट्यूमर्स का डायग्नोसिस करते हैं। हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के स्टेन्स मुख्तलिफ ट्यूमर्स के डायग्नोसिस में लगाते हैं, क्योंकि हर ट्यूमर में कुछ टिपिकल एंटीजन्स होती हैं, उसके खिलाफ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के स्टेन्स लगते हैं। बेसिकली एंटीबॉडीज होती हैं कि जिनके ऊपर एंजाइम्स लगे होते हैं, और वो एंजाइम्स जब एंटीबॉडीज उन स्पेसिफिक एंटीजन्स पे अटैच हो जाती हैं, तो फिर उस एंजाइमेटिक रिएक्शन हम करवाते हैं जिससे एक खास कलर देती है, और वो कलर आम तौर पे ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है जो हमें इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में नजर आता है। तो एक इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की टेक्निक को हम यूज कर रहे हैं इसमें टू डायग्नोस सर्टेन ब्लिस्टिंग डिसऑर्डर, और तीन एंटीजन हम यूज कर सकते हैं इन इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। एंटीजन 514 जो केराटिनोसाइट्स में है, लेमिनिन 5 जो लेमिना ल्यूसिडा में है, और टाइप 4 कोलेजन जो लेमिना डेंसा में। मिसाल के तौर पे अगर आपने टाइप 4 कोलेजन की एंटीबॉडीज लगाई, अच्छा ये जो प्रोसेस हो रहा है ये फ्रोजन सेक्शन पे नहीं हो रहा, ये पैराफिन एम्बेडेड सेक्शन में हो रहा है, जिस तरह से आम हिस्टोलॉजी होती है। हम वही हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स में मुख्तलिफ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के स्टेन्स लगवा लेते हैं टू डायग्नोस द पर्टिकुलर डिजीजेस। तो हमें ना पैराफिन एम्बेडिंग में ये काम करना है। हमने तीन एंटीजन स्पॉट की, 514, लेमिनिन 5 एंड टाइप 4 पर इन ईबी सिंप्लेक्स। अब आप ये समझें कि जो कोई मुस्तकिल बोले जा रहा है, इतना शोर है बीच में, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई किसी की, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई माइक खुला हुआ है इस वक्त यहाँ पे। सर खुला हुआ है माइक किसी का, कंटीन्यूअस खुला हुआ है, सर कंटीन्यूअस बोल रहा है कोई। आरिस आप मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। अच्छा अब लेट्स सी के इन एंटीजन्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। एक बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि एपिडर्मोलाइसिस बुलोजा इज अ ब्लिस्टिंग डिसऑर्डर। यहाँ पे जो स्प्लिट है दैट इज एट द लेवल ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन। ईबी सिंप्लेक्स पेम्फिगस की तरह से इंट्रा एपिडर्मल नहीं है, फिर फर्क ये होता है कि लेवल ऑफ स्प्लिट में फर्क हो सकता है। ये ईबी सिंप्लेक्स थोड़ा सुपरफिशियल है, जंक्शनल थोड़ा दरमियान में है, डिस्ट्रॉफिक थोड़ा से नीचे। ईबी सिंप्लेक्स में क्या होगा, ईबी सिंप्लेक्स का जो ब्लिस्टर होगा उसमें ये जो है केराटिन 514, लेमिनिन 5 और टाइप 4 कोलेजन सारे के सारे फ्लोर में आएंगे। ब्लिस्टर सुपरफिशियल होगा ईबी सिंप्लेक्स का। ईबी सिंप्लेक्स का ब्लिस्टर जो होगा, अगर हम उसकी हिस्टोलॉजी करेंगे, वैसे तो जब हम हिस्टोलॉजी करेंगे तो आपको सब एपिडर्मल ब्लिस्टर मिलेगा, और आप कोई डायग्नोसिस नहीं कर सकते कि ये ईबी सिंप्लेक्स है, कि ये ईबी डिस्ट्रॉफिक है, या ये ईबी जंक्शनलिस है। हम ईबी की हिस्टोपैथोलॉजी में डायग्नोसिस नहीं कर सकते। हमें अगर डायग्नोसिस करना है तो हमें इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री को यूज करना पड़ेगा। जब ये जब हम ईबी सिंप्लेक्स की हिस्टोलॉजी करेंगे, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करेंगे, तो ये तीनों एंटीजन्स इसकी फ्लोर में आएंगी। ईबी जंक्शनलिस या बुलस पेम्फिगोइड में दोनों के अंदर जो स्प्लिट है वो एट द लेवल ऑफ लेमिना ल्यूसिडा है। केराटिन 514 जो है वो ईबी जंक्शनलिस के ब्लिस्टर के रूफ में होगी, और मेरे ख्याल है इसके लिए हम दोबारा इस तरफ जाते हैं। अगर ईबी सिंप्लेक्स होगी तो ईबी सिंप्लेक्स का जो ब्लिस्टर है उसमें केराटिन 514, लेमिनिन 5 और टाइप 4 कोलेजन, ये तीनों के तीनों ब्लिस्टर के फ्लोर में होंगे। ब्लिस्टर राउंड अबाउट यहां पे होगा, और ये तीनों एंटीजन्स फ्लोर में पाए जाएंगे। ईबी जंक्शनलिस में चूंकि ब्लिस्टर लेमिना ल्यूसिडा के लेवल पे है,
तो केराटिन 514 रूफ में आएगी और 5 लेमिनिन 5 और टाइप 4 कोलेजन इसके फ्लोर में आएगी। और अगर ईबी डिस्ट्रोफिका होगा तो ईबी डिस्ट्रोफिका इज इन द डर्मस सब लेमिना डेंसा। तो ये तीनों एंटीजन टाइप 4 लेमिनिन 5 और केराटिन 514 ब्लिस्टर के रूफ में आएंगे। ईबी सिंप्लेक्स में सारी एंटीजेंस ब्लिस्टर के फ्लोर पे आएंगी और ईबी डिस्ट्रोफिका में ये ब्लिस्टर के रूफ में आएंगी। अब ये चीज अगर किसी को समझ नहीं आई तो मुझे तो मुझसे पूछ लें दोबारा। आ गई सर। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री ये समझ आ गई। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री को अगर हमने यूज करना है तो हमने ईबी के डायग्नोसिस में करना है और किसी और काम के लिए यूज नहीं करेंगे। अच्छा, अब दो तरह के सब एपिडर्मल ब्लिस्टर। एक वो ब्लिस्टर है जिनको हम कहते हैं सेल पुअर ब्लिस्टर, इन विच देयर इज अ सब एपिडर्मल ब्लिस्टर बट देयर इज लिटिल और नो इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट। एक वो ब्लिस्टर है कि देयर इन विच देयर इज अ सब एपिडर्मल ब्लिस्टर बट इट इज रिच इन इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट। तो जो सेल पुअर ब्लिस्टर है इनकी कॉजेज में तमाम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और मैकेनोबुलस डिसऑर्डर्स, तमाम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और इम्यूनोबुलस डिसऑर्डर्स। इम्यूनोबुलस डिसऑर्डर ईबीए, ईबीए भी और एपिडर्मोलाइसिस बुलोजा एक्वाले भी, जेनेटिक भी। और मेटाबॉलिक में पीसीटी, बुलस एमाइलोडोसिस, डायबिटिक बुला और अकेन बर्न, क्रायोथेरेपी, सक्शन ब्लिस्टर, ये भी मैकेनोबुलस डिसऑर्डर्स। तो सब एपिडर्मल सेल पुअर ब्लिस्टर्स आर आइदर बिकॉज ऑफ मैकेनोबुलस डिसऑर्डर और बिकॉज ऑफ मेटाबॉलिक। देन आगे जी सब एपिडर्मल सेल रिच ब्लिस्टर, इसके अंदर आमतौर पे सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस इसके अंदर इंक्लूड। कौन सी होंगी वो हम आज तक इन्हीं को तो अभी हमने आगे एक्सप्लेन करना है अपने फर्दर सेक्शन। सर आपने कहा जो सेल पुअर वाले में उसमें ईबीए आएगा या ईबी होंगे? देखो जो पिछले स्लाइड में सर मैंने आपको दो चीजें बताई, आइंदा भी हमेशा याद रखना, जो सेल पुअर ब्लिस्टर है वो या तो मैकेनोबुलस डिसऑर्डर्स की वजह से है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से। EBA भी होगा और बाकी जो जेनेटिक एपिडर्मोलाइसिस बुलोजा कॉम्प्लेक्स है वो भी सेल पुअर ब्लिस्टर ही बना, अनलेस के उसके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हुआ, वरना ब्लिस्टर के अंदर एज इट इज कोई इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट पैथोगोनोमिक नहीं है। गॉट इट? ठीक है सर। अच्छा अभी एक बात और मैं आपको बताऊं, ब्लिस्टर्स नहीं होते? हाँ सर, EBA में बोथ नहीं होते? हाँ मैं बताने वाला हूँ, लेकिन EBA की एक खास बात यह है कि EBA हिस्टोलॉजिकल मिमिकर है लीनियर IgA का भी, बुलस पेम्फिगोइड का भी। तो इसलिए बाज दफा आपको EBA में सब एपिडर्मल ब्लिस्टर के अंदर इओसिनोफिल भी मिल सकते हैं और न्यूट्रोफिल भी मिल सकते हैं, और यही वजह है EBA की कंफ्यूजन डालने की कि हमें सॉल्ट स्प्लिट करनी पड़ती है जो हम आगे एक्सप्लेन। अच्छा अभी वैसे मैंने ये सब चीजें बतानी थी, आप मुझे अगर बताने का मौका दें तो प्रोड्रोमल पेम्फिगोइड, प्रोड्रोमल पेम्फिगोइड इज द अर्ली फेज ऑफ पेम्फिगोइड जब पेम्फिगोइड के ब्लिस्टर्स नहीं होते और पेशेंट के ऊपर अर्टिकेरियल टाइप लेजन्स आते हैं। इस अर्टिकेरिया का डिफरेंस होता है ये होता है कि जरा प्लाक्स बड़े होते हैं, ये लेजन्स ट्रांजिएंट नहीं होते और बहुत इची होते हैं। और प्रोड्रोमल पेम्फिगोइड की फेज हर्पीज गेस्टेशनिस में भी आती है और बुलस पेम्फिगोइड में भी आता है, और ये वेरिएबल होती है, फ्यू डेज तक ये प्रोड्रोमल पेम्फिगोइड की फेज रह सकती है। इस मौके पे अगर हम इसकी बायोप्सी करेंगे तो इसकी बायोप्सी विल गिव एन अपीयरेंस ऑफ इओसिनोफिलिक स्पॉन्जियोसिस, जो मतलब स्पॉन्जियोसिस लाइक एन एक्जिमा एंड विद इओसिनोफिल्स। इसके अलावा
अर्टिकेरिया की तरह से पेरीवैस्कुलर लिम्फोसाइटिक एंड इओसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट। तो इओसिनोफिल्स एपिडर्मस में भी होंगे, स्पॉन्जियोसिस भी होगा और पेरीवैस्कुलर लिम्फोसाइटिक एंड इओसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट भी होगा, ये सारी चीज, लेकिन ब्लिस्टर नहीं होगा। ये प्रोड्रोमल पेम्फिगॉइड है जो पेम्फिगॉइड की अर्ली फेज है। नाउ वेसिकुलर पेम्फिगॉइड, बाज दफा सर बुलिस पेम्फिगॉइड के अलावा कौन सा बताया आपने? क्या चीज? प्रोड्रोमल पेम्फिगॉइड। यस सर, एक तो आपने बताया बुलिस पेम्फिगॉइड में होगा और दूसरा किस में होगा? हर्पीस जेस्टेशनस। क्या चीज? प्री, अच्छा ये प्री बुलिस स्टेज, बुलिस पेम्फिगॉइड और हर्पीस जेस्टेशनस। प्री बुलिस स्टेज या प्रोड्रोमल स्टेज, हर्पीस जेस्टेशनस भी तो रिलेटेड डिजीज है ना, प्रेगनेंसी रिलेटेड। तो ये दोनों में ये प्री बुलस स्टेज होगी या प्रोड्रोमल पेम्फिगॉइड की स्टेज है। वेसिकुलर पेम्फिगॉइड एक कंफ्यूजन डालने वाली टर्मिनोलॉजी है। क्लिनिकली वेसिकुलर पेम्फिगॉइड विल अगेन लुक लाइक पीएच। विल अगेन लुक लाइक डीएच। लेकिन जब हम उसकी बायोप्सी करेंगे तो जो पेपुलरी टिप एब्सेसेस हैं वो बेसिकली इओसिनोफिल्स के होंगे, न्यूट्रोफिल्स के नहीं होंगे। तो वेसिकुलर पेम्फिगॉइड को आप कभी भी वेसिकुलर पेम्फिगॉइड डायग्नोस नहीं कर सकेंगे जब तक आप उसकी हिस्टोलॉजी ना देखें। क्लिनिकली इट विल गिव अ लुक ऑफ डीएच क्योंकि वेसिकुलर लीजन्स होंगे इसके। लेकिन ये जरूरी नहीं है वेसिकुलर पेम्फिगॉइड में कि ये जो लीजन्स हैं ये एक्सटेंसर सर्फेसिस पर, ये एक डिफरेंस क्लिनिकली जरूर हो सकता है। लीजन्स होंगे तो छोटे वेसिकल्स, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक्सटेंसर सर्फेसिस पर। नाउ दिस इज प्रॉपर बुलस पेम्फिगॉइड, मल्टीपल इंटैक्ट ब्लिस्टर्स, टेंस ब्लिस्टर्स, टिपिकल हिस्टोलॉजी आप देखते ही पहचान लेंगे। सब एपिडर्मल ब्लिस्टर पहचानना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन सब एपिडर्मल ब्लिस्टर देखने के बाद अगला स्टेप ये है कि आप लोगों ने ये देखना है कि उस ब्लिस्टर के अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल्स कौन से हैं। तो बुलस पेम्फिगॉइड में इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट इज मेनली इओसिनोफिलिक। ये थोड़ा सा बड़ा टेंस ब्लिस्टर है, पूरा ब्लिस्टर कैविटी है, इसमें सीरम भरा हुआ है और ये जो आपको फेंट फेंट लाइनें ये फिब्रिन की नजर आ रही है। फिब्रिन एक इंटरलेसिंग नेटवर्क है जो उस ब्लिस्टर को थोड़ा सब्सटेंस देता है और नीचे डर्मस पड़ा हुआ है। द इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट विल बी मेनली इओसिनोफिल। बुलस पेम्फिगॉइड की इम्यूनोफ्लोरेसेंस बहुत टिपिकल है और इम्यूनोफ्लोरेसेंस इज बेसिकली आईजीजी, लीनियर आईजीजी, आईजीजी इन अ लीनियर फैशन, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के जो बुलस पेम्फिगॉइड एंटीजन 180 और 230 के अगेंस्ट के ऊपर बैठी हुई है ये इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी। तो ये इस तरह का एक लीनियर बैंड बनाएगी इम्यूनोफ्लोरेसेंस को और कुछ केसेस में कॉम्प्लीमेंट C3 भी पाई जाएगी अगेन इन अ लीनियर फैशन 20-30% केसेस। एक मिनट, इससे पहले ना मैं एक और फिनोमेना आपको बताना चाहूंगा अगर नजर आए, चलो आगे बताऊंगा इसमें तस्वीर ऐसी। अच्छा, रिगार्डिंग बुलस पेम्फिगॉइड, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में देयर इज लीनियर आईजीजी एंड C3। इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में 75-80% में सर्कुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिंस होंगी एंड वी विल बी एबल टू डेमोंस्ट्रेट द बाइंडिंग ऑफ दीज इम्यूनोग्लोबुलिंस विद with these basement membrane antigens. Salt split में roof में आएंगी antibodies, immunofluorescence. Salt split को मैं भी explain करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। और site of split is lamina lucida. Antigen 230 जो bullous pemphigoid antigen 1 कहलाती है और 180 oh. looking funny. और बुलस पेम्फिगॉइड एंटीजन 230 और 180।
Pemphigoid gestationis. Pemphigoid gestationis is an intensely itchy, articulated papules or plaques or annular lesions, followed by vesicles and blisters with propensity to cluster on the abdomen. Pemphigoid gestationis ki histological appearance pemphigus se different nahi ho. Usme bhi abundant eosinophils ho. Sab epidermal blister ho. Lekin immunofluorescence mein jo sabse typical feature hai wo ye hai ki complement C3 100% cases mein positive hoga DIF और आई जी जी विल बी इन 30-50%. आप ये समझें कि बुलस पेम्फिगोइड और हर्पीस गेस्टेशनिस में इम्यूनोफ्लोरेसेंस की फाइंडिंग एक दूसरे से उल्टी होती कि बुलस पेम्फिगोइड में आई जी जी 100% में होगा और सी थ्री 30% के करीब होता है, जबकि पेम्फिगोइड गेस्टेशनिस में कॉम्प्लीमेंट सी थ्री 100% में डी आई एफ में पॉजिटिव होगा और आई जी जी इन 30-50%. लाइकन प्लैनस पेम्फिगोइडीज, लाइकन प्लैनस की वो वैरायटी है कि जिसमें लाइकन प्लैनस और पेम्फिगोइड दोनों को एग्जिस्ट करते हैं. ये दो डिजीजेस हैं, ये एक बीमारी नहीं है. बुलस लाइकन प्लैनस इज अ डिजीज कि जिसमें लाइकन प्लैनस के अंदर ब्लिस्टर्स बन रहे हैं. लेकिन लाइकन प्लैनस पेम्फिगोइडीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकन प्लैनस एंड पेम्फिगोइड. तो जो पेम्फिगोइड के लीजन्स हैं वो लाइकन प्लैनस के ऊपर नहीं होंगे, हट के होंगे, जुदा होंगे, और दोनों की हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस होगी. आपको कहीं पे इंटरफेस चेंज विद बैंड लाइक इंफिल्ट्रेट मिलेगा, कहीं पे सब एपिडर्मल ब्लिस्टर विद इओसिनोफिल्स. तो दोनों हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंसेस, दोनों क्लिनिकल अपीयरेंस. लाइकन प्लैनस पेम्फिगोइडीज याद रखें कि ये दो बीमारियां एक नहीं. Secretricial pemphigoid is a variety of bullous pemphigoid which is characterized by typical involvement of mucosal surfaces and development of strictures and scarring. Reason of scarring in secretricial alopecia: the presence of antibodies to laminin 5 and type 7 collagen. अब ये देखिए, bullous pemphigoid में जो antibodies थी वो 230 और 180 के अगेंस्ट थी, जो हेमीडेस्मोसोम्स का हिस्सा. लेकिन सिक्रिट्रिशियल पेम्फिगोइड में ये चीज फर्क पड़ी या एडिशन हो गया कि लेमिनिन 5 जो लेमिना ल्यूसिडा में है और टाइप 7 कोलेजन जो पेप्लीडर्मिस में है, इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज बनती. अब जब ये एंटीबॉडीज बनती हैं तो ये एंटीबॉडीज विल रिजल्ट इन स्कारिंग. और डायग्नोस्टिक पॉइंटर, सेक्रेटरीशियल पेम्फिगोइड में IgG और C3 के अलावा IgA भी मिलेगा एट बेसमेंट मेम्ब्रेन्स. दिस IgA इज इम्पॉर्टेंट. तो डायग्नोस्टिक पॉइंटर ये है कि आपको ये तो खैर हमारे थ्योरी है ना, लेकिन जो हमें जब हमें डायग्नोज करने के लिए, एक तो वैसे ही आपको अगर स्ट्रिक्चर्स नजर आ रहे हैं तो वो सेक्रेटरीशियल पेम्फिगोइड या म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगोइड है. दूसरा, जब आप इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे तो इम्यूनोग्लोबुलिन IgG और C3 के अलावा IgA भी आपको मिलेगी एट द लेवल ऑफ बेसमेंट. तो अदरवाइज ब्लिस्टर विल बी लाइक अ नॉर्मल ब्लिस्टर ऑफ बुलस पेम्फिगोइड. अच्छा, अब मैं आपको एक पते की बात बताना चाहूंगा. हमने तीन डिफरेंट डिजीजेस अभी कवर की जिनके अंदर सब एपिडर्मल ब्लिस्टर है विद इओसिनोफिल. पेम्फिगोइड ग्रुप ऑफ डिजीज, हर्पीस गेस्टेशनिस, बुलस पेम्फिगोइड, सेक्रेटरीशियल. इसके अलावा एपिडर्मोलाइसिस बुलोजा एक्विजिटा में भी इस तरह का ब्लिस्टर हो सकता है. लेकिन एग्जाम में जब भी आपके पास कोई स्लाइड आई या कोई प्रोजेक्शन स्लाइड आई जिसमें आपको सब एपिडर्मल ब्लिस्टर विद इओसिनोफिल मिल रहे हैं, तो आपका डायग्नोसिस शुड बी बुलस. EBA acquisita is characterized by hemorrhagic blisters and scarring on knuckles, other areas bhi, lekin ye appearance bahut zyada mil rahi hai PCP ke sath. Ab yahan pe ye jagah mimic kar raha hai EBA DH ke sath.
मैंने आपसे कहा डीएच लीनियर आईजीए सब में मिमिक करता है ईबीए, लेकिन ईबीए का शर्त यह है कि ईबीए क्योंकि मैकेनोबुलस है इस तरह से नॉन फिक्शनल एरियाज पे ईबीए का होने का कोई चांस, ये इसका क्लिनिकल कैच होगा। और टिपिकली ईबीए विल हैव अ सब एपिडर्मल सेल पुअर बिल, सेल पुअर बिल, लेकिन टिपिकली ईबीए विल हैव अ सेल सब एपिडर्मल सेल पुअर ब्लिस्टर, ये इसका क्लासिक फॉर्म है। और लेस कॉमन फॉर्म्स में सब एपिडर्मल ब्लिस्टर विद इयोसिनोफिल्स और सब एपिडर्मल ब्लिस्टर विद न्यूट्रोफिल्स हो सकता है। अब यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स वाला ब्लिस्टर है, मतलब डीएच और डीएच और बुलस पेम्फिकॉइड दोनों को कंफ्यूज करें। डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस लीनियर आईजीए लीनियर आईजीजी एंड C3 एट द डर्मो एपिडर्मल। अब यहां पे आया है कंफ्यूजन विच इज द बेसिस ऑफ सॉल्ट स्प्लिट स्किन टेस्ट के बुलस पेम्फिकॉइड की और एपिडर्मोला एपिडर्मोलाइसिस बुलोजा एक्विजिटा की इम्यूनोफ्लोरेसेंस एक जैसे आईजीजी और कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे इन अ लीनियर फैशन एट द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में बुलस पेम्फिकॉइड की तरह से आईजीजी है तो लेकिन बहुत कम है, तो इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस अक्सर ईवीए में पॉजिटिव नहीं आएगी। सॉल्ट स्प्लिट में फ्लोर में होगा, टाइप 4 कोलिजन रूफ में होगा, ये दोनों फिनोमेना अभी बताता हूं। लेवल ऑफ स्प्लिट सब लैमिना डेंसा बुलस एपिडर्मोलाइसिस बुलोजा एक्विजिटा और डिस्ट्रोफिक ईबी दोनों में ब्लिस्टर सब लैमिना डेंसा है, टाइप 7 कोलिजन को हिट कर रहा है, एंटीजन इज टाइप 7 कोलिजन। टाइप 7 कोलिजन आपको स्ट्रक्चर याद करा दूं, स्ट्रक्चर में ये डर्मस का हिस्सा था, अपर डर्मस, पेपुली डर्मस का हिस्सा, तो एंटीबॉडी टाइप 7, इसलिए अब चूंकि स्प्लिट सब लैमिना डेंसा पे हो रही है तो अब ये कॉन्सेप्ट बनाए कि जो लेवल ऑफ स्प्लिट बुलस पेम्फिकॉइड में लेमिना ल्यूसिडा में ऊपर है और ईबीए में जो लेवल ऑफ स्प्लिट है वो सब लेमिना डेंस है, वो नीचे है, तो जो एंटीबॉडीज एंटीजन्स जो भी हमने करना है जो लेमिना ल्यूसिडा से ऊपर होंगे वो ऊपर फ्लोर रूफ में होंगे और जो नीचे होंगे वो फ्लोर में होंगे। अब हम इसको आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे इस फिनोमेना। ये आ गया सॉल्ट स्किन स्प्लिट, सॉल्ट स्किन स्प्लिट इम्यूनोफ्लोरेसेंस। क्यों जरूरत पड़ती है सॉल्ट स्प्लिट करने की? बाज दफा ईबीए के जो लेजन्स हैं वो बुलस पेम्फिकॉइड से मिमिक करते हैं और बुलस पेम्फिकॉइड तो बहुत अच्छा स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव डर्मेटोसिस, लेकिन ईबीए स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिव डर्मेटोसिस नहीं है। बाज दफा आपको जब डायग्नोसिस आप कर लें, आपको सब एपिडर्मल ब्लिस्टर मिल गया विद इयोसिनोफिल जो दोनों में हो सकता है, तो आपने इसके बाद आपने बुलस पेम्फिकॉइड करके ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया लेकिन ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है। अब आपने दोबारा उसको रिविजिट किया कि मेरा डायग्नोसिस ईबीए तो नहीं है। अब जो आपने रिविजिट किया तो आपने इम्यूनोफ्लोरेसेंस कर, अब इम्यूनोफ्लोरेसेंस की जो पहली इम्यूनोफ्लोरेसेंस हुई उसमें लीनियर आईजीजी आ गया। अब अगेन हम कंफ्यूजन में पड़ गए क्योंकि आईजीजी लीनियर बुलस पेम्फिकॉइड में भी है और आईजीजी लीनियर उसके अंदर भी है ईबी। सॉरी मैंने फोन लिया। तो अब बात यह है कि हम अभी तक कंफ्यूज हैं कि आर वी डीलिंग विद बुलस पेम्फिकॉइड और आर वी डीलिंग विद ईबीए। क्लिनिकली भी एक अपीयरेंस, हिस्टोलॉजिकली भी एक अपीयरेंस और हद तो यह है कि इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी एक जैसे। अब क्या करना है, अब कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि
ये ईबीए है या ये बुलस पेंट्री कॉइल। इस मामले को हल करने के लिए हमने इस टेक्निक को यूज किया जिसको हम सॉल्ट स्प्लिट स्किन टेस्ट करते हैं। इसमें करेंगे ये कि पेरी लीजनल स्किन को आपने वन मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में 48 आवर्स के लिए एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्यूबेट कर। अब वन मोलर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन क्या करेगा कि वो एक आइट्रोजेनिक ब्लिस्टर इंड्यूस करेगा एट द लेवल ऑफ लैमिना ल्यूसिडा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन का सबसे वीक पोर्शन लैमिना ल्यूसिडा है, तो जो ब्लिस्टर कैविटी होगी वो लैमिना ल्यूसिडा के ऊपर आ जाएगी। अब सॉल्ट स्प्लिट करने के बाद आपने सॉल्ट स्प्लिट स्किन के ऊपर वही ड्रिल की जो हम DIF के लिए करते। अब हमने इम्यूनोफ्लोरेसेंस की दोबारा इसके ऊपर सॉल्ट स्प्लिट पे किया। अब कॉन्सेप्ट ये बनाए कि अगर ये बुलस पेम्फिगॉइड है तो बुलस पेम्फिगॉइड एंटीजन 230 और 180 दोनों के दोनों लैमिना ल्यूसिडा के रूफ पे हैं। दोनों एंटीजन्स लैमिना ल्यूसिडा के रूफ पे हैं, तो ये जो आर्टिफिशियल ब्लिस्टर कैविटी बनेगी उसमें जो IgG लीनियर IgG आएगी वो इस ब्लिस्टर के रूफ पे आएगी इन बुलस पेम्फिगॉइड। और टाइप 7 कोलेजन लैमिना डेंसा के नीचे है, तो ये जो ब्लिस्टर कैविटी बनेगी तो टाइप 7 कोलेजन ब्लिस्टर कैविटी के फ्लोर पे है। तो अगर तो ये केस EBA का होगा तो जब हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे तो जो लीनियर IgG आएगी वो इस ब्लिस्टर के फ्लोर पे आएगी। ये वो इम्यूनोफ्लोरेसेंस है जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस है जो बिफोर द सॉल्ट स्प्लिट थी। अब ये जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस है इसमें ब्लिस्टर कैविटी बन गई और इम्यूनोफ्लोरेसेंस IgG इज एट द फ्लोर ऑफ द ब्लिस्टर। ये है EBA और ये ब्लिस्टर कैविटी, ये ब्लिस्टर कैविटी है और इसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस इज एट द रूफ ऑफ ब्लिस्टर और ये है IgG बुलस पेम्फिगॉइड। अब आप लोगों को मैं ब्रेक करके पूछ रहा हूँ, सॉल्ट स्प्लिट समझ आया? यस सर एग्जैक्टली सर। फर्स्ट टाइम यस सर आ गया सर। डॉक्टर साहब जो सॉल्ट, दोबारा बोलिए आवाज नहीं आई। सर डॉक्टर फिलजा बात कर रही हूँ। सर मैंने आपसे सॉल्ट स्प्लिट स्किन है उसमें और डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में ये सिर्फ डिफरेंस है कि हम आर्टिफिशियली इंड्यूस कर रहे हैं। हाँ, ये जो ब्लिस्टर डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे ये आर्टिफिशियली इंड्यूस ब्लिस्टर के ऊपर करेंगे। ठीक है, और जो वैसे हम डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस वो सिंपल हम डायरेक्ट आपकी पेरिलीजनल स्किन उठा रहे हैं। देखो इसमें भी पेरिलीजनल स्किन पे कर रहे हैं हम, लेकिन हम पहले इस पेरिलीजनल स्किन के ऊपर आर्टिफिशियल ब्लिस्टर इंड्यूस करेंगे और फिर हम DIF करेंगे। ठीक है, और जो सिंपल डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस है उसमें हम इंड्यूस कुछ नहीं करेंगे, हम उसको जस्ट उठा के बायोप्सी लेके तो उसको कर लेंगे परफॉर्म। हां देखो DIF तो पेम्फिगस में भी हो रही है, DIF तो DH में भी हो रही है। ये जो सॉल्ट स्प्लिट है ये सिर्फ उस वक्त की जाती है कि जब हमें बुलस पेम्फिगॉइड और EBA के दरमियान डिफरेंस करना, क्योंकि क्लिनिकली भी मिमिक किया, हिस्टोलॉजिकली भी मिमिक किया और DIF जब हमने नॉर्मल DIF की इन दोनों बीमारियों में तो दोनों की DIF एक जैसी है। अब हमें इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आर्टिफिशियल ब्लिस्टर इंड्यूस करके DIF करेंगे, फिर हमें पता चलेगा इनमें से कौन सी बीमारी कौन सी। सर एक क्वेश्चन और कर लूं छोटा सा। सर पेरिलीजनल स्किन का कैसे डिफाइन किया था? 1 सेंटीमीटर सराउंडिंग द लीजन।
कहीं से भी कोई ब्लिस्टर होगा उठा लें, उसकी पेरिलीजियल स्किन, नॉर्मल स्किन जो ब्लिस्टर के 1 सेंटीमीटर पेरिफेरी में, पेरिमीटर में मौजूद है, कहीं से भी लें। सर सॉल्स्प्रिट में ब्लिस्टर क्या कह रहे हो? से अगेन। जिसके अंदर SLE के साथ आपको ब्लिस्टर्स नजर आएंगे both on sun and non-sun exposed area. These patients should fulfill other criteria of SLE. वो ही blisters नजर आएंगे on erythematous base. इसको देख के आप इसको differentiate नहीं कर सकते bullous pemphigoids. There will be subepidermal blisters. और जो inflammation है वो आपको peri vascular और peri adnexal भी मिलेगी जैसे कि SLE में होती है, इंफ्लेमेशन ज्यादा हो। बुल्लस एसएलई के जो ब्लिस्टर है उसके अंदर जो मेन इंफ्लेमेटरी इंफिल्ट्रेट है वो न्यूट्रोफिल्स लाइक लीनियर आईजीडी। तो बुल्लस एसएलई हिस्टोलॉजिकली मिमिक करेगी लीनियर आईजीए ना के बुल्लस पैंथीकॉइड या डीएच। अच्छा ये आपको सब एपिडर्मल ब्लिस्टर मिल रहा है और जिसके अंदर ये न्यूट्रोफिल्स पड़े, ये अपीयरेंस लीनियर आईजी की भी हो सकती है, ईबीए की भी हो सकती है और बुलस एसएलई की तो यहाँ दिखाई जा रही है। लेकिन अगर एग्जाम में सब एपिडर्मल ब्लिस्टर विद न्यूट्रोफिल्स होगा तो आपका डायग्नोसिस विल बी लीनियर आईजीए। ये जहन में बात, जिस तरह मैंने कहा कि सब एपिडर्मल ब्लिस्टर विद इयोसिनोफिल होगा तो आपका डायग्नोसिस होगा बुलस पेम्फिगॉइड, इस तरह सब एपिडर्मल ब्लिस्टर विद न्यूट्रोफिल होगा तो आपका डायग्नोसिस होगा लीनियर आईजीए। इसके इस पे नहीं जाना इस बहस में कि और कौन कौन सी बीमारियों में सब एपिडर्मल ब्लिस्टर हो सकता है विद न्यूट्रोफिल्स। यहाँ पे एक और चीज जो दिखाने वाली है वो ये कि ये डर्मल पेपिली है, ये डर्मल पेपिली। जब ब्लिस्टर बनता है सब एपिडर्मल ब्लिस्टर तो एपिडर्मस को जो ब्लिस्टर है वो ऊपर ले जाता है, लेकिन डर्मल पेपिली अपनी शक्ल में काफी अर्से तक मेंटेन रहता है। और ये डर्मल पेपिली का ब्लिस्टर कैविटी के अंदर एंटर होना, इसको एक फिनोमेना कहा जाता है, इसको कहते हैं फेस्टूनिंग ऑफ डर्मल पेपिली, फेस्टूनिंग ऑफ डर्मल पेपिली। ये डर्मल पेपिली जो ब्लिस्टर कैविटी के अंदर घुस रहे होते हैं या लग रहा होता है जैसे उसमें प्रोट्रूड कर रहे हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज फेस्ट। और ये फेस्टूनिंग ऑफ डर्मल पेपिली किसी भी सब एपिडर्मल ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर में देखा जा सकता है, ये कोई टिपिकल किसी डिसऑर्डर का नहीं, लेकिन चूंकि ये टर्म इस्तेमाल की जाती है तो आपको क्लियर हो कि फेस्टूनिंग ऑफ डर्मल पेपिली का क्या मतलब। बुलस एसएलई विल बी इजीली डायग्नोस्ड बाय डीआईएफ। और आपको बताया कि एसएलई में एक इम्यूनोफ्लोरोसेंट बैंड बनता है जिसके अंदर आईजीजी तो 100% मिलेगी, आईजीए 67%, आईजीएम 50% और कॉम्प्लीमेंट भी। तो यहाँ पे जब आप डीआईएफ कर रहे होंगे तो आपकी अगर आपने 4 स्लाइड्स बनाई आईजीजी आईजीए आईजीएम कॉम्प्लीमेंट तो हो सकता है कि सबके अंदर इम्यूनोफ्लोरोसेंस मिल जाए। तो यही एक टिपिकल फीचर है जो एसएलई को बाकी ऑटोइम्यून ब्लिस्टिंग डिसऑर्डर से डिफरेंशिएट करता है। तो रिगार्डिंग बुलस एसएलई, डीआईएफ में लीनियर आईजीजी आईजीएम आईजीए और सी3 मिलेगा एट द लेवल ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन। इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस में आईजीजी मिलेगी 75-80% में। अगर हम सॉल्ट स्प्रेड करेंगे तो बुलस एसएलई में भी जो फ्लोरोसेंस है वो फ्लोर पे आएगी, क्योंकि बुलस एसएलई का भी जो लेवल है स्प्लिट का वो है जनाब टाइप 7 कॉलेज सब लेमिना डेंसा, सब लेमिना बिल्कुल ईबीए की तरह से सब लेमिना डेंसा स्प्लिट है और ईबीए की तरह से टाइप 7 कोलेजन इज द टारगेट। बुलस एसएलई टाइप 7 कोलेजन इज द टारगेट। नाउ डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस इज कैरेक्टराइज्ड बाय intensely pruritic papillovesicles which soon excoriate
एंड दे आर सीन ऑन एक्सटेंसर एस्पेक्ट. इंटैक्ट ब्लिस्टर को ढूंढना इज रियली इम्पॉसिबल. इसलिए डीआईएफ में हिस्टोपैथोलॉजी के बजाय पेरिडिजनल बायोप्सी से इम्यूनोफ्लोरेसेंस से ज़्यादा अच्छा डायग्नोसिस मिल जाता है. लेकिन फिर भी हमें दोनों का बायोप्सी करनी होती है मिलके, उसकी भी और इसकी भी, पेरिलीजनल की भी. अच्छा, एक आपको और चीज़ बताना चाहूँगा, मैं ये ड्रॉ करके बताना चाहता हूँ कि जब आप बायोप्सी करेंगे यूजली किसी भी इम्यूनोबुलस डिसऑर्डर में और आपको इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी करनी है, तो बेहतर ये है कि हम बजाय इसके कि दो अलग बायोप्सी करें, एक ही बायोप्सी करें कि जिसमें हम जो सॉरी एक ही बायोप्सी करें कि जिसमें हम जो ब्लिस्टर है उसको और साथ पेरिलीजनल स्किन को दोनों को निकाल. अब इस तरह से हम बायोप्सी करें कि हम पेरिलीजनल और लीजनल दोनों को निकाल लें और उसके बाद निकाल के आपने उस बायोप्सी को दो हिस्सों में कट कर लें. जो लीजनल है उसको आप फॉर्मलिन में डाल दें 10% फॉर्मलिन में और उसको आप तो पैथोलॉजी के लिए भेज दें, और जो पेरिलीजनल है उसको नॉर्मल सेलाइन में आप इम्यूनोफ्लोरेसेंस के लिए. डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मस में जो हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस है वो पैपुलरी टिप माइक्रो एब्सेसिस. माइक्रो एब्सेसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि डीएच के अंदर क्लिनिकली आपको ब्लिस्टर्स नहीं मिलते, आपको एक्सकोरिएटेड वेजिकल्स मिलते. एक्सकोरिएटेड वेजिकल से मतलब ये है कि जाहिर है सब एपिडर्मल छोटे छोटे वेजिकल्स हैं, और वो वेजिकल्स कहाँ होते हैं? वो डर्मल पेपली के टिप्स के ऊपर होते हैं. ये अर्ली फेज है कि जिसके अंदर आपको ये एपिडर्मस और डर्मल पेपली के दरमियान एक स्पेस आ गई. ये पिंक पिंक फिब्रिन स्ट्रैंड्स हैं और यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स नजर आ रहे हैं, ये अर्ली फेज. अब ये वेल फॉर्म्ड ब्लिस्टर बन गया है, ये डर्मल पेपली यहाँ तक है, ये डर्मल पेपली खत्म हो गया. ये जो ब्लिस्टर है ये दो रेटी रीजेस के दरमियान है, डर्मल पेपली के टिप के ऊपर है. इसको हम कहेंगे पेपिलरी टिप माइक्रो एब्सेस, ये न्यूट्रोफिल्स का इन्फिल्ट्रेट. तो डीएच में डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस में आपको पेपिलरी टिप माइक्रो एब्सेस मिलते हैं. बड़े ब्लिस्टर होगा अगर जिसमें न्यूट्रोफिल्स होंगे तो वो डीएच नहीं होगा, वो लीनियर आईजीए होगा. ये डर्मल पेपिली के ऊपर ये पूरा ब्लिस्टर कैविटी है, ये जिस तरह से ये थी ये पूरी ब्लिस्टर कैविटी थी, ये नीचे डर्मल पेपली यहाँ पे खत्म हो गया और ये पूरी ब्लिस्टर कैविटी. लेकिन ये ब्लिस्टर नहीं, ये वेजिकल है और ये एक और दो रेटी रिजेस के दरमियान है. जब हम डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे तो देयर विल बी आईजीए डिपोजिशन एट द बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन, पर आईजीए लीनियर नहीं होगी, आईजीए ग्रैनुलर होगी. ग्रैनुलर का मतलब ये है कि डॉट 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 एक पूरी लाइन नहीं बनेगी, ऐसा लगेगा जैसे फ्लोरेसेंस के आपको ना डॉट्स लगे हों, यहाँ पे जरा ज्यादा डॉट्स अच्छे विजिबल हो. रिगार्डिंग डीएच, डीआईएफ इज ग्रैनुलर आईजीए. इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में ट्रांस ग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज होंगी. एंटी ट्रांस ग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज को हम वैसे भी सर डायग्नोज करने के लिए भी हम ये टेस्ट कराते हैं एंटीबॉडीज का. सॉल्ट स्प्लिट एप्लीकेबल नहीं है, टाइप 4 कोलेजन एप्लीकेबल नहीं है, साइट ऑफ स्प्लिट पेपिलीडर्मस है. ये डीएच का जो स्प्लिट है वो सबसे डीप है, इवन बुलस एसएलई और ईबीए से भी डीप है. एंटीजन्स आर अननोन, कौन सी एंटीजन्स डीएच करती हैं या नहीं. दिस इज लीनियर आईजीए डिजीज, एडल्ट लीनियर आईजीए डिजीज. प्रूराइटिस एंड बर्निंग इसका काफी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर टेंस ब्लिस्टर्स का एनुलर डिस्ट्रीब्यूशन में ये जिस तरह बीडेड अपीयरेंस या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस बच्चों में भी होगी. अब यहां पे वी विल सी अ बिगर सब एपिडर्मल ब्लिस्टर, लार्ज सब एपिडर्मल ब्लिस्टर विद न्यूट्रोफिल, ये फेस्टूनिंग हो रही है. तो जब आपको बड़ा ब्लिस्टर मिलेगा
विद न्यूट्रोफिल्स तो आपका डायग्नोसिस लीनियर आईजीए होगा, अगरचे ये ब्लिस्टर ईबीए और बुलस एसएलई में भी हो सकता है, लेकिन आपका डायग्नोसिस लीनियर आईजीए होगा। और डीएच नहीं होगा, क्योंकि डीएच में बड़ा ब्लिस्टर नहीं होगा, उसमें छोटे वेजिकल्स होंगे दो रेटी रेजिस के दरमियान एट द डर्मल पेपिली टिप्स। जब हम डीआईएफ करेंगे तो उसमें आईजीए में आपको मिलेगी इन अ लीनियर फैशन एट द बेसमेंट मेम्ब्रेन ज़ोन। रिगार्डिंग लीनियर आईजीए, डीआईएफ लीनियर आईजीए, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस आमतौर पर पॉजिटिव नहीं आती क्योंकि 30% एंटीबॉडीज होती हैं। सॉल्ट स्प्लिट नहीं करेंगे, टाइप 4 कोलेजन कंफ्यूजन है। लेवल ऑफ स्प्लिट इज लेमिना ल्यूसिडा एंड सब लेमिना डेंसा, और इसका जो एंटीजन है वो कुछ वेरिएबल्स एंटीजन है, 180 बुलस पेम्फीगॉइड एंटीजन के अगेंस्ट भी होता है और कोई और वेरिएबल एंटीजन भी हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन के, 200, 250, 285, 290, यानी कि कोई बहुत वेल डिफाइंड एंटीजन्स नहीं है लीनियर आईजीए। अब एक समरी, डीडी ऑफ सब एपिडर्मल ब्लिस्टर्स विद न्यूट्रोफिल्स एंड डर्मल टिप माइक्रोएब्सेसेस, डीएच लीनियर आईजीए, वेजिकुलर पेम्फीगॉइड एक पेम्फीगॉइड की वैरायटी है कि जिसमें इवन न्यूट्रोफिलिक एब्सेसेस मिलते हैं, इसको वेजिकुलर पेम्फीगॉइड इसलिए कहेंगे, एक तो मैंने बताया कि जिसके अंदर आपको इओसिनोफिल मिलेंगे, लेकिन अगर न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं तो इसका जब आप डीआईएफ कराएंगे तो डीआईएफ पेम्फीगॉइड की हो, वो डीएच की नहीं हो। बुलस एसएलई इन्फ्लेमेटरी ईबीए स्वीट सिंड्रोम, डीडी ऑफ सब एपिडर्मल ब्लिस्टर विद इओसिनोफिल, बुलस पेम्फीगॉइड पेम्फीगॉइड गेस्टेशनिस वेल सिंड्रोम आर्थ्रोपाइड आर्थ्रोपोड एंड बुलस ड्रग रिएक्शन, सब एपिडर्मल ब्लिस्टर विद लिम्फोसाइट ईएम पैरान्यूप्लास्टिक पेम्फिगस बुलस फिक्स ड्रग इरप्शन एलपी पेम्फीगॉइडीज पॉलीमॉर्फिक लाइट एंड सब एपिडर्म बाद दफा बुलस अर्टिकेरिया पिगमेंटोजा में सब एपिडर्मल ब्लिस्टर मिलेगा विद मास्क। मैंने आपको अभी बताया कि बायोप्सी या ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर की करेंगे तो आप कोशिश करें कि फ्रेश ब्लिस्टर जो रप्चर ना हुआ हो उसकी बायोप्सी। और आपकी आवाज क्या आ रही है? मैंने कहा जब बायोप्सी करें ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर में, अच्छा चलें ये जरा आखिरी सेक्शन करने से पहले, जो मैंने सब एपिडर्मल ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर्स कर लिए उनमें कोई सवाल जवाब है तो उसे कर लें, कोई सवाल जवाब सब एपिडर्मल ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड, एनी क्वेश्चंस? सर एक क्वेश्चन मुझे पूछे, दरमियान में कनेक्शन लॉस हो गया था, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा था मुझसे। सर एक क्वेश्चन, सर आप साल्टेड स्किन का इधर जिक्र किया, वहां पे आप वर्ड यूज किया डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस का, तो साल्ट स्किन सर डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस नहीं थी? नहीं समझ आ रहा बेटा। सर मेरा क्या नहीं करते सर, ये पूछना चाह रहे हैं कि सॉल्ट स्प्लिट डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस के साथ भी कर सकते हैं? हाँ, सॉल्ट स्प्लिट स्कैन सिर्फ डीआईएफ के लिए करते हैं, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस के साथ नहीं करते, और कुछ जरूरत भी नहीं है करने की। मतलब आप उसको क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस से सॉल्ट स्प्लिट को? सॉल्ट स्प्लिट जो है ना वो डीआईएफ के साथ। अच्छा जी, बायोप्सी और ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर, मैंने आपको कहा कि इट्स बेटर कि अगर हमने एक ही दफा में इम्यूनोफ्लोरेसेंस भी करनी है तो आप एक ही बायोप्सी करें, लीजन को लेते हुए पेरी लीजनल स्किन को भी इन्वॉल्व कर लें, और एक ही बायोप्सी करें और बाद में बायोप्सी को बायसेक्ट करें, और जो जो बायोप्सी आपने हिस्टोपैथ के लिए देनी है वो फॉर्मलिन में डाल दें, और जो इम्यूनोफ्लोरेसेंस के लिए भेजनी है वो नॉर्मल सेलाइन में डाल, एंड दिस नॉर्मल सेलाइन कंटेनिंग बायोप्सी शुड रीच द लेबोरेटरी विद इन 2 to 6 hours, क्योंकि इसकी हमने फ्रीजिंग करनी है, क्रायो फ्रीजिंग। अगर आप ज्यादा देर लगाएंगे तो फिर मटीरियल्स खराब हो जाते हैं। अक्सर एक गलती हो जाती है, हमारे ट्रेनिंग से भी हो जाती है, कि आप ये दोनों बायोप्सियाँ उल्टी हो जाती हैं। अगर पेरिलीजनल बायोप्सी फॉर्मलिन में चली गई
और लीजनल बायोप्सी नॉर्मल सिलाइन में चली गई। लीजनल बायोप्सी अगर आपने लीजन के की बायोप्सी अगर आपने इम्यूनोफ्लोरेसेंस के लिए भेज दी, तो चूंकि एनाटॉमी लीजन के अंदर डिस्टर्ब हुई हुई है क्योंकि ब्लिस्टर बना हुआ है, तो वो जो टिपिकल हमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस फाइंडिंग मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। अगर गलती से आपने लीजनल स्किन को इम्यूनोफ्लोरेसेंस के लिए भेज दिया, तो चूंकि लीजनल स्किन में एनाटॉमी स्किन की डिस्टर्ब हुई हुई है, तो जो टिपिकल फाइंडिंग्स इम्यूनोफ्लोरेसेंस में मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेंगी। इसी तरह से अगर आपने पेरी लीजनल स्किन हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेज दी, तो पेरी लीजनल स्किन में कोई एनाटॉमिक डिस्ट्रप्शन नहीं है, तो हिस्टोपैथोलॉजी में रिपोर्ट अनरिमार्केबल स्किन की आ जाएगी। तो इसलिए बायोप्सी भेजते वक्त ये ध्यान रखें कि लीजनल स्किन शुड गो टू हिस्टोपैथोलॉजी एंड पेरी लीजनल स्किन शुड गो टू इम्यूनोफ्लोरेसेंस। एक मीडियम इस्तेमाल होता है मिचेल्स मीडियम, अगर हमें ज्यादा दूर ट्रांसपोर्ट करना हो मटेरियल को इम्यूनोफ्लोरेसेंस के, लेकिन मिचेल्स मीडियम पाकिस्तान में तो कहीं अवेलेबल नहीं। DIF और इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस मैंने बहुत अच्छी अपने ख्याल से उन वीडियोस में एक्सप्लेन की है। उस वीडियो देख के अगर किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछें, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो मुझसे सवाल नहीं पूछे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। सर समझ आ गई। चलो गुड। अब एक और टेक्निक है, इस टेक्निक को कहते हैं वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक। जो इम्यूनो ब्लॉटिंग होती है ना, ये इम्यूनो ब्लॉटिंग तीन तरह की होती है, सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग जो है ये डीएनएस के लिए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनएस के लिए और वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन्स के लिए। अब हमें ये कैसे पता चला कि बुलस पेम्फिगॉइड के जो एंटीजन्स हैं वो बुलस पेम्फिगॉइड 230 और 180 हैं? ये हमें कैसे पता चला कि EBA का जो एंटीजन है या बुलस SLE का वो टाइप 7 कोलेजन है? ये हमें पता चला वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक। वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक की बहुत ज्यादा इंट्रिकसीज में या डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं, मोटा मोटा मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट ये देता हूं कि वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक में आपने दो कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने जो प्रोटीन रिच सॉल्यूशन है ना, फॉर एग्जांपल हमारी एक स्किन है, स्किन की बायोप्सी को स्किन के टिश्यू के अंदर देयर आर मेनी डिफरेंट एंटीजन, मतलब ये तो केराटिन 14 भी था, केराटिन 5 भी था, बुलस पेम्फिगॉइड एंटीजन 180 भी था, 230 भी था, प्लेक्टिन था, हर एक की अपनी वेट है, मेरे ख्याल कम से कम 1000-2000 एंटीजन तो होंगे। तो इट इज टिश्यू विच इज रिच इन डिफरेंट प्रोटीन्स विद डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट। हमें करना यह है इस टेक्निक में कि हमने उन तमाम प्रोटीन्स को एक एक मेम्ब्रेन के ऊपर सेपरेट करना है अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट, उसको सेपरेट करना है अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट। ये प्रोसेस हम तीन तरह से करेंगे कि पहले तो जो हमने बायोप्सी ली उसको हमने उसको डिसरप्ट किया, लाइस किया, उसको तोड़ा फोड़ा ताकि वो एक तरह का सोल्यूशन सा बन जाए, और फिर उसको उस सोल्यूशन को हमने SDS पेज जेल के ऊपर डाल के इसमें इलेक्ट्रॉन करंट पास, इसके पास करने से जो प्रोटीन्स हैं वो मूव करेंगे इस जेल पे और वो मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर वेट। जो हैवी वेट होगा वो पीछे रह जाएगा, जो लाइट वेट होगा वो आगे निकल जाएगा। फिर इस जेल को ट्रांसफर किया जाता है ऑन अ नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन। अब आप मुझसे ये ना पूछिएगा कि वो ट्रांसफर कैसे किया जाता है, मैं कोई ना माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ ना मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, इसकी टेक्निक्स हैं ट्रांसफर करने की, लेकिन हमें मेन चीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्रोटीन रिच सॉल्यूशन के अंदर आप डिफरेंट प्रोटीन्स को सेपरेट करना है ऑन अ मेम्ब्रेन
nitrocellulose membrane in accordance to their weight. Separate करने के बाद आपने उसको incubate किया different antibodies के साथ, जैसे कि वो antibodies मैंने आपको DIF में बताई थी. मतलब आपका जो membrane है उसमें आपने IgG भी डाली, IgM भी डाली, C3 भी डाली और IgA भी डाली. वो डालने के बाद अब प्रोटीन्स हो गए, उनके ऊपर आपने एंटीबॉडीज डाल दी. ये वो प्रोसेस है, समझ लें आपका, जो आप इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस का पहला स्टेप, कि आपने सबस्ट्रेट लिया और उसमें सीरम डाल दिया जिसके अंदर एंटीबॉडीज थी. तो ये तकरीबन समझ लीजिए वो फर्स्ट स्टेप था कि जिसमें हमने एक तो प्रोटीन्स को, इस दफा प्रोटीन्स को एक पेपर के ऊपर अलग कर दिया और उन प्रोटीन्स के ऊपर आपने पहले फेज में तमाम एंटीबॉडीज डाल दी और डालने के बाद आपने उसको कुछ अरसे उसको रखा. कितने अरसे रखना है, कितने टेम्परेचर रखना है, ये ना डिटेल मुझे याद करने की ज़रूरत है, ना ये डिटेल आपको याद करने की ज़रूरत है, ना इसमें, ना DIF में, ना इनडायरेक्ट में, क्योंकि ये हमारा कंसर्न नहीं है. हमें बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए. जब हमने उसको रख के कुछ देर के बाद हमने उसको वॉश कर, अब लेट सपोज पेशेंट को बुलस पेम्फिकॉइड है, तो जब हमने IgG डाली तो वो 230 और 180 वाली प्रोटीन जो कहीं भी पड़ी है इस पेपर में उसके ऊपर अटैच हो गई और बाकी किसी जगह पे वो IgG ने अटैच नहीं होना था और IgA और IgM ने भी अटैच नहीं होना था, तो वो सारी की सारी वॉश आउट हो जब हमने वॉश किया. अब सेकंड फेज में हमने दूसरी नंबर की एंटी ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज डाली उस पेपर के ऊपर. जो ये जो एंटी ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज हैं ये टैग्ड हैं विद अ क्रोमेटिन डाई. नाउ जो डाई है वो फ्लोरोसेंट डाई नहीं है, वो क्रोमेटिन डाई है जो कलर देती है क्रोमेटोग्राफी में. ये कलर देती है, क्रोमेटोग्राफी एक अलग टेक्निक है जो डिफरेंट कलर्स छोड़ती है. तो ये जो दूसरी एंटी ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज हैं ये क्रोमेटिन टैग्ड हैं और ये क्रोमेटिन टैग जो एंटीबॉडीज हैं ये अगेन जो पहली एंटीबॉडी थी, जो अगेन पहली एंटीबॉडी थी, मुझे बंद करना पड़ा, जो पहली एंटीबॉडी थी ये वाली, उस एंटीबॉडी के ऊपर ही एंटीबॉडी आएगी. ये एंटीजन, ये पहली एंटीबॉडी एक, इस एंटीबॉडी के ऊपर दूसरी एंटीबॉडी दो, ये टैग्ड है विद क्रोमेटिन डाई. इसको क्रोमेटोग्राफी पिक करेगी. अब क्रोमेटोग्राफी ये पिक कर लेगी कि इस शीट के ऊपर कितने वेट के प्रोटीन के ऊपर जाके कौन सी वाली एंटीबॉडी लगी, IgG लगी, IgA लगी या IgM लगी. इस टेक्निक के जरिए हम स्पेसिफिक एंटीजन साइट्स किसी भी डिजीज में, ना सिर्फ ब्लिस्टिंग डिसऑर्डर्स में बल्कि और भी डिजीज में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब वेस्टर्न ब्लॉट के बाद, अच्छा यही टेक्निक अगर हम DNA में यूज करेंगे तो उसको हम सदरन ब्लॉट कहते हैं. DNA को सेपरेट करेंगे और फिर अलग अलग उसको ना, अब उसमें एंटीबॉडी नहीं डालेंगे, उसमें हम DNA प्रोब डालेंगे उसको हाईलाइट करने के लिए. तो ये हो जाएगा सदरन ब्लॉट. RNA में करेंगे तो नदरन ब्लॉट और वेस्टर्न ब्लॉट हो गया प्रोटीन. अब इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने समझाने की कोशिश की, कोई डाउट है, कोई शक है तो मुझसे सवाल पूछें वेस्टर्न ब्लॉट को. नो सर. सर इसमें जो हम स्किन लेंगे पेशेंट की, वो भी नॉर्मल स्किन होगी? हाँ, नॉर्मल पेरिलीजनल या लीजन वाली स्किन लेंगे, उसको लाइज करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे और हमारा मकसद जो टिश्यू के अंदर प्रोटीन्स है ना उनको इंडिविजुअल फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर छोड़ देना है, ताकि जब वो करंट पास हो तो इंडिविजुअल प्रोटीन्स पेपर के ऊपर ट्रेवल करे अपने वेट के साथ. हमने जो भी ट्रीटमेंट करना है ना उस टिश्यू का, वो ऐसे करना है कि इंडिविजुअल प्रोटीन सेपरेट हो जाए और वो पेपर के ऊपर आ जाए. ये टेक्निक से हम किसी भी टिश्यू की स्पेसिफिक एंटीजन्स को डिटरमिन कर सकते. ठीक है सर, एक क्वेश्चन है. यस सर. सर ये यू सीरेटेड और एन सीरेटेड पैटर्न जो है ये हमें वेस्टर्न ब्लॉटिंग के थ्रू पता लगते हैं? सर I'm confused about this pattern. ये पैटर्न किस चीज के थ्रू हम लोग एनालिसिस करते हैं? ये पैटर्न डीआईएफ के पैटर्न सर, यू सीरेटेड पैटर्न और एन सीरेटेड पैटर्न.
इम्यूनोफ्लोरेसेंस सर, वो इम्यूनोफ्लोरेसेंस में जो हम कहते हैं इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में कि वो यूसरेटेड पैटर्न, वो बेसिकली जिस डायरेक्शन, अगर तो फ्लोर पे हमें इम्यूनोफ्लोरेसेंस मिलती है तो हम यूसरेटेड कहते हैं, और अगर रूफ पे है तो हम एनसरेटेड पैटर्न। बुक में ये वर्ड मेंशन है जी सर, उसमें आपको एक्सप्लेन कर दिया सवाल, जवाब मिल गया जी सर। सॉल्ट स्प्लिट में बुक में मेंशन इस तरह से है, जब हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस देखेंगे तो उसमें फ्लोर पे अगर हमें मिलेगा इम्यूनोफ्लोरेसेंस तो वो यूसरेटेड पैटर्न है, और अगर रूफ पे मिलेगा तो वो एनसरेटेड पैटर्न। ठीक है थैंक यू फॉर। नो सर, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस में है कि जब हम उससे हायर मैग्निफिकेशन में देखते हैं तो जो लीनियर हमें डेपोजिशन नजर आती है वो एन पैटर्न में होती है या यू पैटर्न में होती है। मेरे ख्याल है इससे ज्यादा तो कोई और सिग्निफिकेंस नहीं है ना, आपको ये पता चल गया कि एन पैटर्न में होती है यू पैटर्न में होती है, दैट्स ऑल, कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं है ये। इट्स दैट। और सवाल कोई? ठीक है सर। ठीक है चलो, ओके थैंक यू वेरी मच। ये आखिरी सर, जजाक अल्लाह, जजाक अल्लाह, ओके थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir.